Hello everyone, welcome to Ankit's Bridal Maker and Academy, and we are from Mulund, Mumbai. So let's join quickly with the unique quick hairstyle. Not quick, but we are teaching you today advanced technique with the quick practical way. So आज का demonstration quick practical way पे रहने वाला है, and सबसे important चीज है आज मैं थोड़ा सा आपको product knowledge भी देने वाली हूँ, थोड़ी सी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, और ये सेशन है हमारा गिव अवे सेशन. सो गिव अवे का सिर्फ इतना ही करना है आपको, ये पूरा सेशन आपको ध्यान से सुनना है और मैक्सिमम शेयर करना है. पहली चीज शेयर करिए, पूरा सेशन ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स रखने वाले हैं, 5 questions और 5 lucky winners. बट आंसर देने के लिए आपको लाइव में हमारे साथ में जुड़ना होगा. सो लाइव में जुड़ने के लिए, आंसर्स देने के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना पड़ेगा, और मैक्सिमम शेयर करो ताकि आपके जिसने ज्यादा शेयर किए हैं और लाइव में जुड़ के जिसने ज्यादा परफेक्ट आंसर दिया वो विन हो सकता है हमारी तरफ से एक हेयर एसेसरी गिफ्ट. हेयर एसेसरी गिफ्ट में क्या क्या गिफ्ट है मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को. सो फर्स्ट लकी विनर विल गिव दिस, थोड़ा सा हाँ ये मिलने वाला है फर्स्ट लकी विनर को. दिस इज द हेयर ब्रॉच, ओपन करके दिखा सकते हैं. सो ये ब्यूटीफुल सा हेयर ब्रॉच है, हम वो आपको देने वाले हैं, एंड इट्स रियली वेरी प्रिटी. एंड सेकेंड एसेसरी हमारी तरफ से आप सभी को मिलने वाली है, वो है एक बहुत ही एलिगेंट सी एसेसरी. आपको पता है एलिगेंट इज नाउ अ ट्रेंडी, छोटे छोटे फ्लावर्स है, बहुत ट्रेंडी इफेक्ट करते हैं. इसको प्लेसमेंट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी. दिस इज द सेकेंड गिफ्ट फ्रॉम अंकिस अकेडमी, एंड थर्ड गिफ्ट विल बी. सो जब तक मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ आप गिफ्ट भी देखिए और जल्दी से शेयर कीजिए. हम इंस्टाग्राम अकाउंट से भी लाइव है, ब्राइडल मेकओवर बाय इंस्टा अंकिता गोसर, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर. और फेसबुक से भी हम लाइव आए हैं, अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी, ये हमारा फेसबुक आईडी है. आप दोनों अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हो. आई वॉन्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर ऑन इंस्टाग्राम, एंड फेसबुक से है तो मैक्सिमम चांस है आप सभी के विन होने के, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो. और ये हमारा थर्ड गिफ्ट है जो बहुत ही एलिगेंट सी एक एसेसरी, अलग से दिखा देना थोड़ा. हाँ ये एक एलिगेंट सी एसेसरी जो ओपन लुक बन किसी भी वेरिएशन में आप इसको अटैच कर सकते हो. दिस इज द थर्ड लकी विनर गिफ्ट. फोर्थ लकी विनर गिफ्ट को सिल्वर बेस में सेम थिंग मिलने वाली है, बट सिल्वर बेस कैसे, गोल्डन एंड सिल्वर फैमिली हमें बहुत काम आती है. सो ये आपके पास आपके घर पे आ सकती है जस्ट शेयर करके, और आपके क्वेश्चन के आंसर्स हमारे साथ लाइव में जुड़ के आप आंसर दे सकते हो, और अच्छा एक गिफ्ट जीत सकते हो हमारी तरफ से, जो आपके क्लाइंट पे आप डालोगे तो आपके क्लाइंट भी खुश होंगे और आपके पैसे वसूल. और फिफ्थ गिफ्ट है हमारी तरफ से, दिस इज दी गोल्डन कलर फ्लावर्स जो बन पे भी काम आते हैं, ओपन लुक के लिए भी काम आएंगे, मोमेंट के लिए भी काम आएंगे, हर तरह के वेरिएशन में आप अटैच कर सकते हो. एंड दिस इज दी, ये 5 gift है हमारी तरफ से आप सभी को. बस रूल इतना ही है, ये गिफ्ट को पाने के लिए आपको मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर करना है, शेयर करके आपको ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग का स्क्रीनशॉट लेना है. स्क्रीनशॉट को क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है. तो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने के लिए मैं यहाँ पे पिन कर देती हूँ व्हाट्सएप नंबर. व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9773354947. नंबर सेव कर लीजिए जल्दी से जल्दी, अंकिस अकेडमी मुलुंड मुंबई से, और इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है. एंड जब मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स राउंड करूंगी तब आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, एंड यू कैन चांस टू विन अ गिव अवे गिफ्ट. सॉरी सो बेसिकली आई वॉन्ट कि आप लोग कहां से हो, हमारे साथ कहां से जुड़े हुए हो.
सो लेट्स स्टार्ट. आप सब रेडी हो? मैं एक मिनट का वेट कर रही हूँ आप सभी के लिए. जल्दी से जाइए, जल्दी से शेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए नीचे नंबर पे, हमारी टीम यहाँ पे चेक कर लेगी और आप बाद में क्वेश्चन आंसर्स राउंड में साथ में जुड़ सकते हो और गिफ्ट पा सकते हो. ये सारी एक्सेसरीज है ऑलमोस्ट 500 की रेंज की है, 500 के नीचे की रेंज की कोई भी एक्सेसरी नहीं है. 500 टू 1000 के रेंज के बीच की एक्सेसरीज है जो हम आपको आज गिफ्ट में प्रोवाइड करने वाले हैं. इसी तरह का अब मैं आगे बढ़ती हूं और आगे बढ़ने के पहले यहां पे आप देख सकते हो यहां पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं. सो क्या आपको पता है इतने सारे प्रोडक्ट्स यहां पे दिख रहे हैं? थोड़ा सा चेक कर. सो आपको पता है, सो हाय, आई एम अंकिता गोसर फ्रॉम मंकीज एकेडमी एंड आई एम अ मेकअप एडुकेटर एंड हेयर स्टाइल एडुकेटर. एंड आज का जो सेशन है मैं हेयर स्टाइल के रिलेटेड लेके आई हूँ. सो आज का जो सेशन है हेयर रिलेटेड सेशन है और हेयर रिलेटेड सेशन में मैं चाहती हूँ आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बहुत अच्छा एक नॉलेज सेशन बना जाए आप सभी के लिए, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी बेस्ट सेशन रहे और जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं बट हेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. आज भी इंडस्ट्री में इतने लोग ऐसे हैं कि जिनको हेयर में बहुत प्रॉब्लम्स आती है. हेयर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है, कब कौन सा स्प्रे यूज करें, कब मूज एप्लीकेशन होना चाहिए. बहुत सारे मार्केट में आप यहाँ पे देखो, जरा दिखा दो इन लोगों को यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स. यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट, एक उसको दे देती हूँ शेयर कर दूंगी. You can see this is almost all the products, like ये सारे प्रोडक्ट है हमारे मेकअप को प्रॉब्लम्स, हेयर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो जस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी को बताने के लिए, जस्ट टेबल कर दीजिए. नाम बताती हूँ, कितने लोगों को प्रोडक्ट पता है या नहीं पता है आप जरूर से कमेंट में डालिए ताकि मुझे कौन से टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस करना है आप सभी के साथ में, मुझे भी थोड़ा सा पता चले. और वन मोर इम्पोर्टेंट, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है आप सभी को? प्लीज कमेंट में डालिए, एम आई ऑडिबल परफेक्टली? ओके, सो विल स्टार्ट. यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मैं सबसे पहले एक बात करती हूँ, जो बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है हर एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास. ऑडिबल है कि नहीं उसका कमेंट आया है ना? यस ना, यस. ओके, सो हर एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास कोई प्रोडक्ट हो ना हो बट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट आपके पास कंपल्सरी होना ही चाहिए. वो प्रोडक्ट है हीट प्रोटेक्शन. बिकॉज हम एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हेयर पे वर्क करने वाले हैं, हेयर पे वर्क करने वाले हैं तो कोई ना कोई हीट जो मशीनरी है हम वो यूज करने ही वाले हैं. जैसे ब्लो ड्राई हो जाता है, आयरन मशीन हो जाता है, कर्ल मशीन हो जाता है या क्रिम्पिंग मशीन, हर तरह की हीट आपके हेयर को डायरेक्टली लगती है. इट डैमेज टू हेयर, हेयर फॉल होने के रीजन भी वही सब होते हैं. बट अगर आप हीट प्रोटेक्शन यूज करके आप वर्क स्टार्ट करते हो तो आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो ये आपकी वैलिडिटी में 100% कंपलसरी है कि ये प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए. उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा होता है? जैसे हमारे पास हेयर टेक्सचर होते हैं, हेयर टेक्सचर को हर तरह के हेयर टेक्सचर हमारे पास होते हैं, इसीलिए हम हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग हेयर प्रिपरेशन सीखते हैं. किसी के हेयर बहुत ज्यादा कर्ली है, रफ हो सकते हैं, किसी के ज्यादा बहुत स्ट्रेट है, सिल्की हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. किसी के लिटिल वेवी है, ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा ऑयली है, सिल्की है. तो ये सारे टेक्सचर के अकॉर्डिंग हमें कौन से प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए. अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में अगर बात करें
तो एक प्रॉब्लम होती है सिल्की हेयर पे बैक कॉम्बिंग नहीं होती, यही अपोजिट देखें तो ड्राई हेयर रफ टेक्सचर पे बैक कॉम्बिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आई, जहाँ पे बैक कॉम्बिंग हो रही है वहां पे, या बैक कॉम्बिंग नहीं हो रही है वहां पे प्रॉब्लम्स आई। हाय मैम, आई एम फ्रॉम श्रीलंका, कैन यू एक्सप्लेन इंग्लिश ऑल्सो प्लीज। या श्योर, आई विल ट्राई बोथ द लैंग्वेज, बट मुझे बहुत सारा एक्सप्लेन करना है, सो माइट बी इट्स नॉट पॉसिबल कि दो दो लैंग्वेज में, सो माइट बी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी अलोन टू एक्सप्लेन यू इन बोथ द लैंग्वेज बिकॉज इट गोज लेंथी सेशन, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लिटल थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल। If you want, you can join our online classes, that is 15 days course we are coming up with, that is in February month, that is my birthday special month. Every month, every year in a February month, we are teaching you free of cost hairstyling course, that is from basic zero level to advanced level theory with the practical session on real model, on different texture. So if you wish to join our free online classes, that is starting from 5th of February, you can join, simply save the number which I pinned right below, 9773-54947. You can just save the number, after the session you message us and we'll send you the details regarding the free online courses. So we'll proceed next and मैं बात कर रही थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रफनेस एंड द शाइन सिल्की प्रोडक्ट, सिल्की हेयर। सो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, मेरे मेन प्रॉब्लम है सिल्की हेयर में प्रॉब्लम है बैक कॉम्बिंग नहीं होता है, सो आई कांट डू बैक कॉम्बिंग ऑन द सिल्की पार्ट है, तो सिल्की टेक्सचर पे बैक कॉम्बिंग नहीं होता है। सो आई हैव द प्रोडक्ट लाइक डस्टेड पाउडर, वी कॉल इट डस्ट पाउडर, सो आई हैव ऑसिस डस्ट पाउडर, आई हैव नीरबेल डस्ट पाउडर, आई हैव माई ओन ब्रांड डस्टेड पाउडर। So, ये ब्रांड के डस्टेड पाउडर क्या काम आते हैं, जब भी हेयर टेक्सचर को रफ करना है तब हमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। कब कैसे एप्लीकेशन करना है, दैट इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हर कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, बट हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट पता है कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, वी डोंट नो। So this is the best part of our next upcoming free course, जिसमें सिर्फ product दिखाया नहीं जाएगा, we only not only showing the product, but we are demonstrating how to apply, how to use, how to modify your hair texture according lots of product. Sorry. So next product, move on to next product. अभी तक मैंने बताया this is the heat protection. And the second one, I am talking about the dusted powder. The next problem, nowadays, अभी के टाइम पे we have 90% of people like smoothening. We have lots of people like doing on their hair like highlighting किए हुए, अभी के टाइम पे 90% लोग है, अभी के टाइम पे स्मूथनिंग किए हुए लोग भी 90% केस पे है। ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट, दिस इज ऑल द केमिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द केमिकल ट्रीटमेंट व्हाट हैपेंड, योर हेयर टेक्सचर विल बी मोर रफ, मोर टूवर्ड्स टू डैमेज टाइप, एंड वी आर डूइंग द हेयर प्रिपरेशन, हम हेयर प्रिपरेशन करते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू एडवांस टेक्निक, व्हाट वी आर डूइंग, वी डू क्रिम्पिंग। सो हम क्या करते हैं जब एडवांस टेक्निक के ऊपर जाते हैं, तो क्रिम्पिंग करते हैं, बट क्रिम्पिंग का भी एक प्रॉपर मेथड होता है, वही मेथड से आपको क्रिम्पिंग करना है, व्हाट एंगल शुड बी, हाउ टू होल्ड, कितना प्रेशर देना है, कितना टेम्परेचर पे कहाँ प्रेशर होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे लाइट प्रेशर कहाँ पे होना चाहिए। सो ये प्रेशर, इफ वी डोंट नो द प्रेशर एंड हाउ टू यूज द क्रिम्पिंग मशीन, हाउ टू डू अ प्रॉपर क्रिम्पिंग ऑन अ पर्टिक्यूलर हेयर लाइक केमिकल ट्रीटेड हेयर और कलर ट्रीटेड हेयर। So what happened? The अगर आप मेरा ही देखो, if you are seeing the example of mine, here is not the color application, but the downward part I have the highlights one. If someone is doing proper crimping, so what will happen over here? It damage my hair, it create a rough texture. So what should I do? अगर मेरी crimping होने के बाद मेरे hair बहुत damage हो जाते, तो अब मैं क्या करूँ? Is it मैं client को बोलूंगी hair wash के लिए जाओ? नहीं, मैं क्लाइंट को हेयर वॉश के लिए नहीं लेके जाऊंगी, मैं सिंपली एक
वन काइंड ऑफ सीरम यूज करूंगी, जो मार्केट में बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल है. दिस इज द वन काइंड ऑफ सीरम. दिस इज ऑयल कंटेंट सीरम. अगेन सो ऑयल कंटेंट सीरम यूज करके हम उसके टेक्सचर को, रफ टेक्सचर को नॉर्मल टेक्सचर पे लेके आ सकते. बट अगेन द प्रॉब्लम इज व्हाट, सीरम इज माइट बी ऑयली. तो ऑयली सीरम लगाने की वजह से जो हमें हेयर स्टाइलिंग के लिए रफ टेक्सचर चाहिए वो क्या हो जाएगा, ऑयली. और ऑयली होने की वजह से वी कांट डू एनी एडवांस टेक्निक. हमारे जो वेरिएशन को रफ टेक्सचर चाहिए वो ऑयली टेक्सचर सीरम की वजह से नहीं आता. क्यों नहीं आएगा? कभी भी आपने देखा है ऑयली बाल पे हेयर स्टाइल होते? एनीवेयर यू सी कि ऑयली हेयर पे मैंने कोई अच्छी हेयर स्टाइल, फोलिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग या कुछ भी किया है, बैक कॉमिंग तक ऑयली टेक्सचर पे नहीं होती है. सो माय डियर फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी ऑप्शन? आप कुछ और सीरम यूज कर सकते हो या कुछ और एप्लीकेशन कर सकते हो जिससे डैमेज हेयर, क्रिम्पिंग, ओवर क्रिम्पिंग की वजह से जो रफ टेक्सचर हो गया उसको आप रिपेयर कर सको. मे आई नो इन द कमेंट. सो ये क्वेश्चन का आंसर सिंपली एक वर्ड में बताओ. किसी का कमेंट आया है या तो मैं बता दूं? नो. सो एनीवन नो, यस और नो, एटलीस्ट वो डाल दीजिए. आपको पता है ऑयली सीरम के अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? एनीवन नो, किसी को पता है ये चीज? What we are using if I don't use this product? Oily serum मुझे use नहीं करना है to repair my rough texture. So मैं क्या करूं? So basically what is happening? When market में हम hair style तो सीख लेते हैं but hair style के products नहीं पता होते. So हमें जहां पे हमारे पास जो पता है हम उसी से काम करते हैं. So basically जब भी आपके पास लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज होता है सो क्या प्रॉब्लम होती है? नो कश्मीरा त्रिवेदी नो शाइन स्प्रे नो डियर. शाइन स्प्रे इज अगेन द ऑयल टेक्सचर, अगेन द क्रिएटिव ऑयल. सो इट इज और इट्स शाइन स्प्रे इतनी ताकत नहीं रखता है. दैट इज ओनली द बेबी हेयर को जो सेटल करने का काम करता है बस वही करता है, बाकी इतना नहीं करता है. फेसबुक पे सोना चोपड़ा पाउडर, दीपाली कमलेश चौधरी विटामिन ई. नो पाउडर इज नॉट वर्किंग. या विटामिन ई. विटामिन ई इज व्हाट? सीरम. नो, इफ विटामिन ई आई डोंट नो, बट अगर वो ऑयल कंटेंट है तो वो यूज नहीं आएगा. और आई थिंक विटामिन ई इज सीरम इज द ऑयल कंटेंट. लावण्य गुब्बुल मूस. नो, मूस इज अगेन द ट्रैक. मूस क्या काम करता है माय डियर? ये दिस इज द लैक ऑफ नॉलेज. ये लैक ऑफ नॉलेज हो गया. मैंने बताया कि मेरे हेयर टेक्सचर ओवर, ऑलरेडी मेरे कलर हेयर है, मैंने ओवर क्रीम करके उसको डैमेज कर दिया. अब मुझे हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करनी है बट मैं कोई भी ऑयली प्रोडक्ट लगाऊंगी तो इट्स गोइंग टू बी टू ऑयली. और मूस लगाऊंगी तो ऑलरेडी ड्राई हेयर को मैं और ड्राई की तरफ लेके जा रही हूं. मूस का काम होता है हेयर टेक्सचर को ड्राई की तरफ लेके जाना, इसीलिए हम उसको सिल्की शाइन, सिल्की हेयर पे ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं फॉर रफ टेक्सचर. वैशाली दर्जी जेल स्प्रे. नो, जेल स्प्रे अगेन द स्टिकी फॉर्म. हार्ड स्प्रे. हार्ड स्प्रे अगेन द रफ टेक्सचर. ड्राई शैम्पू. ड्राई शैम्पू इज नॉट द आंसर. ड्राई शैम्पू, यस, यही होता है लैक ऑफ नॉलेज. ड्राई शैम्पू इज नॉट द करेक्ट आंसर. सी, आपको प्रोडक्ट के नाम पता है बट वो कब काम आता है वही पता नहीं है. यहीं पे एक हेयर स्टाइलिस्ट ना मार खा जाती है. आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता है, मूस है हमारे पास, हीट प्रोटेक्शन है हमारे पास, ड्राई शैम्पू है हमारे पास, सीरम है हमारे पास, निर्वल जेल है हमारे पास, बट ये सारे प्रोडक्ट को कब अप्लाई करना है, कौन से टेक्सचर को रिपेयर करने के लिए, कौन से हेयर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हेयर प्रोडक्ट्स है, दैट इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. जो आपने अभी लास्ट में क्या आंसर आया था? ड्राई शैम्पू. ड्राई शैम्पू कब काम आता है? तो मैं
इसका आंसर देने के पहले मैं आगे की आंसर दे रही हूँ. जैसे मूव्स एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता दिया. राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द मूव्स एप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट आपके आंसर में ड्राई शैम्पू. ड्राई शैम्पू तब यूज करते हैं जब आपके स्काल्प में ऑयल जनरेट हो गया है. ऑयल जनरेट हो गया है, ऑयल को रिमूव करना है, उसको रफ पे लेके आना है, मैट पे लेके आना है, तब आपका ड्राई शैम्पू यूज होता है. तो ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन हो गई मेरी तरफ से आप सभी को. बट मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया. अगर मेरे हेयर कलर हेयर है, मैंने किसी ब्यूटिशियन को हायर किया है जो नया नया सीखा हुआ है, उसने मैंने उसको बोला क्रिम्पिंग कर दे, शी नो डर 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 डर, उसको पता है क्रिम्पिंग ऐसे 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 करनी, उसको पता नहीं है कि कौन से एंगल से लेना है, कितना प्रेशर करना. सो व्हाट हैपेंड, जब मैं मेकअप करने के बाद हेयर स्टाइलिंग के लिए आई तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे हेयर पूरे रफ होके टैंगल क्रिएट और डैमेज हो चुके हैं. डैमेज हेयर पे मैं ज्यादा वर्क नहीं कर सकती. मुझे कर्ल्स करना है तो ये हेयर पे कर्ल्स बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि इनके हेयर टोटली गॉन. तो ये हेयर को मुझे रिपेयर करना है तो किस तरह से रिपेयर करूंगी, जिसका जैसे मेरा डैमेज रफ टेक्सचर भी निकल जाएगा बट ऑयल नहीं आएगा. ऑयल होगा तो मैं मेरा हेयर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी. अमेजिंग सेशन इजंट इट, यस और नो कमेंट में डालिए. इंटरेस्टिंग सेशन है, समथिंग डिफरेंट, आज कुछ नया धमाका है. बिकॉज टुडे इज द सेशन इज द गिव अवे सेशन, नॉट ओनली द नॉलेज 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 बट यस समथिंग इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट सेशन होने वाला है. आज बहुत सारा नॉलेज बांटने वाली हूँ, एक हेयर स्टाइल भी अच्छी खासी सिखाने वाली हूँ, एडवांस टेक्निक इन अ क्विक इजी वे सिखाने वाली हूँ. एंड लास्ट में हमारा 5 क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स होने वाले हैं. आपको लाइव में जुड़ना है मेरे साथ में आंसर्स देने. जो अभी मैं नॉलेज दे रही हूँ वही सब आपके क्वेश्चन के आंसर्स होने वाले हैं. सो नोट डाउन दी ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर्स, डू ज्वाइन इन अवर लाइव सेशन. शेयर भी करना है, लाइव सेशन में जुड़िए. टुगेदर यू विन द चांस टू विन द गिव अवे गिफ्ट. सो बहुत सारा यस 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 मैम, यस मैडम, यस यस, सब एक्साइटेड, सबको पसंद है. तो आई वांट, एक मिनट का टाइम देती हूँ, सब जाके अभी के अभी शेयर कीजिए. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके सारे मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड को शेयर कीजिए, जो भी रिलेटेड इंडस्ट्री के हैं सबको शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज आई थिंक सबके लिए यूजफुल होने वाला है. यस, और ये गिव अवे गिफ्ट एट द एंड ऑफ द सेशन ही होने वाला है. तो नो मीनिंग ऑफ आफ्टरवर्ड वॉचिंग, आफ्टरवर्ड शेयरिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं होने वाला है. इंटरेस्टिंग है मैम, थैंक यू. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन और भी डीप नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकली सीखना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है. प्रैक्टिकली वो हेयर आपके सामने होगा, वो हेयर पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी कि क्यों आप भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये हेयर पे. ये सारी डिटेल जीरो नॉलेज से देख के एडवांस नॉलेज तक, कैसे सेक्शन करना है, कैसे आइनिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, किस तरह से क्रिम्पिंग करनी है प्रॉपरली, किस तरह से आयन करना है, किस तरह से वेरिएशन ऑफ कर्ल्स करने. एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन तो है ही, जैसे बन में वेरिएशन हो गया, ओपन लुक के वेरिएशन हो गए, फ्रंट वेरिएशन हो गए, मर्मेड वेरिएशन हो गए, वेस्टर्न वेरिएशन हो गए, क्विक स्टाइलिंग हो गए, माथा पट्टी हो गई, माउंटी का फिक्सिंग हो गया, एसेसरी प्लेसमेंट हो गया, ब्राइडल के लिए दुपट्टा फिक्सिंग किस तरह से करना, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कोर्स की फीस जीरो है. ये 15 दिन का कोर्स, मेरे बर्थडे स्पेशल का कोर्स, एवरी मंथ मैं कुछ नया बहुत ही एलिगेंट सा कोर्स लेके आती हूँ. और ये कोर्स में आई बैठी हूँ कि मैं एक भी आज तक जितनी भी हेयर स्टाइल सिखाई है उससे सारी हेयर स्टाइल नहीं होने वाली है. दैट इज 25 हेयर स्टाइल मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो प्रैक्टिकली क्लाइंट पे आपको यूज होने वाली है. 25 न्यू वेरिएशन एंड डीप थ्योरी नॉलेज के साथ उसको प्रैक्टिकली किस तरह से करना है. वो टोटल 15 डेज कोर्स, 5th February टिल 24th February. ये 15 दिन का हमारा कोर्स होने वाला है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस यू हैव टू पे, ओनली 1000 रजिस्ट्रेशन ही फीस है जिसको आपको पे करना है. और अगर यही कोर्स कोई ऑफलाइन में ज्वाइन करता है तो वी आर चार्जिंग 1,20,000. जो कोर्स मैं 1,20,000 हमारी अकेडमी में आके लोग सीखते हैं, वही कोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे आपको मिल रहा है 1000. Just paying 1000, that is the process fee, because we are providing you 3 months recording,
एंड वी आर गिविंग यू लॉट्स ऑफ नॉलेज विद दिस सर्टिफिकेट. मतलब आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है. सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, स्टिल यू आर नॉट रजिस्टरिंग अवर कोर्स, फ्री कोर्स, दैट इज ओनली चांस वंस इन अ फुल ईयर. पूरे साल में एक ही बार ये चांस आपको मिलता है जहाँ पे हम इतना नॉलेज फुल कोर्स के जैसा नॉलेज देते हैं. ऑलमोस्ट फुल कोर्स होता है. मैम प्लीज लाइफ सेव कीजिए ना. आपको मैक्सिमम शेयर करना है. और मेरे यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स 200 के ऊपर गए तो मैं सेव करूंगी, एल्स आई विल नॉट सेव दिस वीडियो, ओनली लाइव सेशन. मैं ना फेसबुक पे है. फेसबुक पे तो अभी सब शेयर कर रही हूं. ओके फाइन. सो मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ एंड विल प्रोसीड अगेन. कब तक पे करना है? अभी के अभी कर सकती हूँ आप पे. ये 1000 का ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31st तक ही हमने रखा है. आई थिंक 30 इज टुमारो. आज 30 है. हाँ. और कल 31st है. आपके पास तो सिर्फ 2 दिन का टाइम है 1000 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए. एंड वन मोर थिंग, वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मुझे एक और चीज आप सभी के साथ शेयर करनी थी आज के लाइव सेशन में. वी आर कमिंग अप विद 1 डे फ्री वेबिनार जहां पे हम ब्राइडल वर्ल्ड के ऊपर मेकअप, हेयर, बहुत कुछ नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं. इफ यू आर अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट, यू आर बिगनर्स, यू आर अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, स्टिल यू कैन ज्वाइन दिस अवर कोर्स. दैट इज ऑन 31st ऑफ जनवरी एंड वो होने वाला है इंस्टाग्राम की प्राइवेट आईडी पे. एंड इट्स टाइमिंग इज 9 PM to 10 PM. 1 hour का सेशन होने वाला है. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन वेबिनार. सो यू कैन ज्वाइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इफ यू विश टू ज्वाइन अवर फ्री वेबिनार, जस्ट सेव द नंबर, व्हाट्सएप अस फ्री वेबिनार. यू विल गेट द मैसेज. यू विल गेट द फॉर्म टू फिल अप. आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है. इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट गो टू माई स्टोरी. वहां पे एक फॉर्म मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है वेबिनार के लिए. फ्री फॉर्म आपको फिल करना है एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन टू अवर वेबिनार. सो जस्ट लिटल प्रोसेस है फ्री वेबिनार के लिए. आपको सिर्फ फॉर्म फिल करके ज्वाइन करना है. जो भी शेयर करे उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करके ही मिलेगा वरना. जो भी शेयर कर रहे हो प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट. हमारी टीम यहाँ पे आपका रिकॉर्ड भी कर रही है और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो एट द एंड ऑफ द सेशन. सो आई मूव ऑन नेक्स्ट. मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था जिसका माइक भी मुझे आंसर नहीं मिला है. या सो मैंने क्वेश्चन का आंसर, मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करती हूँ. या कि मैंने मेरी असिस्टेंट को बोला क्रिम्पिंग कर दो, या माइट भी आपने, आपको ही क्रिम्पिंग करने का मौका आया आपके क्लाइंट पे. सो उनके हेयर थे कलर. मैंने बहुत अच्छा, मुझे क्रिम्पिंग आता है, मैंने दबा दबा के मस्त यहां तक मैंने क्रिम्पिंग कर दी. सो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे हेयर क्लाइंट के एकदम डैमेज हो चुके हैं. क्योंकि आपको पता है जब तक केमिकल ट्रीटेड हेयर है, स्मूथनिंग, कैरेटिन, व्हाटएवर, कलर, हाइलाइट्स, सारे हेयर कैसे होते हैं, रफ होते. और क्रिम्पिंग इज अगेन द रफ टेक्सचर, क्रिएटिंग योर रफ टेक्सचर. ऑयलिंग नहीं चाहिए. सो वन ऑफ द बेस्ट ऑयल, दिस इज द हेयर सीरम, वन काइंड ऑफ हेयर सीरम, दैट इज द मैट सीरम. एंड दिस इज माय आंसर कि हम उस हेयर को ऑयली नहीं भी करना है तब भी मैं मेरे हेयर को नॉर्मल टेक्सचर पे लेके आ सकती हूँ विदाउट ऑयलिंग. सो दिस इज द ऑयल सीरम, बट मैट ऑयलिंग सीरम. दिस इज मैटिफाइंग ऑयल सीरम फॉर हेयर. सो ये आपको पता था कि ऑयल सीरम में भी कोई मैटिफाइंग सीरम होता है? कोमल लुनवर ने अभी मैसेज किया है हेयर सीरम यूज करेंगे. यस, हेयर सीरम तो बहुत लोगों ने आंसर किया. मैंने खुद ने बताया कि ये ऑयल कंटेन होता है. जितने भी मार्केट में अवेलेबल है सारे प्रोडक्ट सीरम में ऑयल कंटेंट प्रोडक्ट ही अवेलेबल. वन ऑफ द बेस्ट जो रिसेंटली आया है मार्केट में दैट इज द मैटिफाइंग हेयर सीरम, मैटिफाइंग प्राइमर सुना है जो ऑयल नहीं जनरेट करता. सेम वे हेयर में भी मैटिफाइंग हेयर सीरम नाउ इट्स अवेलेबल एंड इट्स अवेलेबल विथ अंकिज अकेडमी. यू कैन ऑर्डर विथ अस अगर आपको चाहिए ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए. विल डिलीवर ऑल ओवर द इंडिया माइट बी, और आउट ऑफ इंडिया माइट भी हो सकते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया वी आर डिलीवरिंग. सो ये प्रोडक्ट आप आपकी वैनिटी में जरूर से रख सकते हो. सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन.
मैंने हीट प्रोटेक्शन भी बता दिया, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट मैं थोड़ा सा ग्लिम्सम करूं। हेयर कलर होता है जो सी एक अगेन, ये मैं क्वेश्चन के आंसर्स में मैं आप किसे चाहूंगी कि या क्वेश्चन का आंसर मैं क्वेश्चन आंसर्स राउंड में लू। सो दिस इज द रूट लॉरियल डार्क ब्राउन इंस्टेंट रूट टचअप एंड दिस इज द आवाज कॉस्मेटिक हेयर फाइबर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने भी आंसर दिया लाइव में, आप लास्ट में जुड़ना, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लास्ट में आपके पास से चाहिए। सो बी रेडी विथ योर आंसर, लाइव में आपको लास्ट में जुड़ना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, दिस इज माय लॉरियल या एनी अदर इंस्टेंट रूट टचअप एंड सेकेंड वन इज माय हेयर फाइबर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट रूट टचअप एंड हेयर फाइबर, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट वन We'll start proceed with the again. I have many other products like Double Face, Nirbel Double Face. It's a conditioner. So, कभी सुना है हेयर में कभी कंडीशनर एप्लीकेशन होता है? Anyway, हेयर स्टाइलिस्ट अपने क्लाइंट को हमेशा क्या बोलती है, सिर्फ और सिर्फ मुझे शैम्पू वॉश करके चाहिए, नो कंडीशनर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ शैम्पू वॉश से हेयर क्या हो जाते हैं, रफ मिलते हैं, और उसी के ऊपर अगर हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, टेक्सचर बिकेम सिल्की। सो सिल्की हेयर पे हेयर स्टाइल नहीं होती। एज अ हेयर स्टाइलिस्ट को हेयर स्टाइल बनाने के लिए हेयर टेक्सचर रफ सरफेस चाहिए, रफ सरफेस सिर्फ और सिर्फ शैम्पू वॉश से। बट अगर मेरे जैसे केमिकल ट्रीटेड हेयर ने सिर्फ शैम्पू वॉश किया, मेरे हेयर तो और ड्राई है, ऑलरेडी ड्राई है, और मैं कंडीशनर नहीं अप्लाई करूंगी तो मेरे बाल तो झाड़ू हो जाएंगे। बट आपने एज अ ब्यूटिशियन एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आपने मुझे बोला शैम्पू वॉश करके आइए, तो मैं तो वही आ गई। अब सॉल्यूशन क्या, आपको तो क्रिम्पिंग भी करना है बिकॉज आई वांट एडवांस हेयर स्टाइल। आपने सिर्फ शैम्पू वॉश बोला, मुझे एडवांस हेयर स्टाइल करनी थी और आपको क्रिम्पिंग करनी है, बट मेरे बाल तो ऑलरेडी झाड़ू हो चुके हैं सिर्फ शैम्पू वॉश से। शैम्पू वॉश से झाड़ू हो चुके बालों पे क्रिम्पिंग करोगे तो वो कहां जाएंगे, सीधा स्वर्ग से उतर के नरक में पहुंच जाएंगे उनके बाल। तब आप क्या कर सकते हो, एनी आइडिया क्या कर सकते हो? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए ताकि मैं ये सेशन बहुत क्विक ले सकूं। जब तक आप आंसर देते हो तब तक मैं आगे के थोड़े से प्रोडक्ट बता देती हूं। दिस इज द स्टिक बेस जेल जो हम ज्यादा करके मेंस को हमारे ग्रूम को ज्यादा करके यूज करते हैं, या एकदम स्टिकी सिल्क टेक्सचर लेने के लिए वैसे यूज करते हैं। एंड दिस इज द निर्बल जेल, दिस इज द लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट, जेल बेस्ड प्रोडक्ट जो हम नॉर्मली ब्रेड्स या परफेक्शन या मेसी लुक में कर्ल्स को परफेक्ट देने के लिए काम करते हैं। सी दिस इज द टेक्सचर ऑफ लिक्विड बेस्ड जेल, यू कैन सी इट्स नॉट स्टिकी एट ऑल। सो दिस इज द जेल जो हमें यूज करना है ब्रेड बनाने के पहले, और हेयर टेक्सचर बिल्कुल भी ऑयली और स्टिकी नहीं होता है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस टू प्रोडक्ट, वन इज स्टिक बेस्ड एंड वन इज जेल बेस्ड। सो कब यूज करना है, आई होप यू गॉट द आंसर। यस, क्रिस्टल क्लियर मेकओवर ट्वेल, नॉर्वेल लेवल इन कंडीशनर और शाइन स्प्रे। कंडीशनर इन क्या, कंडीशनर और शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे इज नॉट दी वे बिकॉज वो इतना ताकत नहीं रखता है, क्योंकि वो कंटेन वो क्रिएट कर लेगा ऑयली ऑयल बेस पे, और मुझे ऑयली नहीं चाहिए, मुझे रफ तो मेंटेन करना ही करना है। कोमल लुनावत मेकअप आर्टिस्ट, रफ टचअप बालो ग्रे है, वो उसका मत आंसर नहीं करना। दैट इज आपके जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा था, ये दोनों क्वेश्चन का वो आपको लाइव में जुड़ना है और आंसर देना है, ऐसे ही कमेंट में आंसर नहीं देना है। मुझे अभी कमेंट में आंसर चाहिए, मेरे बालों को मैं अगर मेरे को हेयर स्टाइलिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि सिर्फ शैम्पू वॉश करके आना, एज मुझे पता है मेरा टेक्सचर, अगर मैं कंडीशनर अप्लाई नहीं करूंगी तो मेरे बाल चले जाएंगे स्वर्ग से नरक पे, और मैंने मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को बोल के रखा हुआ है कि मुझे एडवांस टेक्निक से एक अच्छा खासा हेयर स्टाइल चाहिए, और उनको करना पड़ेगा मेरे बालों पे क्रिम्पिंग,
अगर मेरे बाल ऑलरेडी रफ है उसने क्रिम्पिंग किया तो मेरे बाल तो स्वर्ग से नर्क में हेल हेवन सीरम लगाना बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा yes. सीरम लगाना पड़ेगा सीरम से एक सीरम इज भी गुड बट मैट सीरम लगा सकते हो बट उससे भी बेटर ऑप्शन है और भी आपके पास सीरम 50% सॉल्व करेगा 100% सॉल्व नहीं करेगा सीरम आपका तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व दर्शना भाटी कंडीशनर का यूज करेंगे जैसे ड्राई शैम्पू यूज करते हैं वैसे कंडीशनर फ्रिज कंट्रोल आप करते हैं या दैट इज द करेक्ट आंसर हाय दर्शना हाउ आर यू आपने मेरा क्लास ले चुके हो तो आपको तो आंसर आना ही है सो यस द करेक्ट आंसर दर्शना आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है सो वी यूज दिस टाइम निर्विल एज अ कंडीशनर फॉर ड्राई हेयर जनरली कंडीशनर जो हेयर वॉश के बाद लगाते हैं वेट हेयर पे लगाते हैं दैट इज द डिफरेंट वन बट दिस इज द कंडीशनर वी आर अप्लाइंग ऑन अवर ड्राई हेयर टू मेंटेन अवर क्वालिटी वर्क एंड दिस इज द मैट ये कोई सिल्क बेस पे सिल्क की टेक्सचर नहीं लेके आएगा ये मेंटेन करेगा हमारी हेयर को और मैट ही रहने देगा तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस ड्राई शैम्पू ऑलमोस्ट हो चुका है अभी मार्केट में आपको पता है ये वैक्स स्टिक का बहुत यूज चल रहा है सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वैक्स स्टिक यू कैन यूज दिस वैक्स स्टिक एंड लास्ट वन थिंग हेयर वॉल्यूमलाइजिंग स्प्रे जहां पे वॉल्यूम कम है वहां पे आपको कर्ल्स में वॉल्यूम दिखाना है हेयर में वॉल्यूम चाहिए थिन हेयर में सो यू कैन यूज दिस एज अ हेयर वॉल्यूमलाइजर स्प्रे तो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स बट यस मैंने नॉलेज तो आपको दिया है एक लास्ट प्रोडक्ट आपके अगर हेयर स्टाइलिंग के बैग में नहीं आया है तो ये एक लास्ट प्रोडक्ट आपकी बैग में जल्दी से लेके आइए बिकॉज ये है थ्रिल दिस इज फ्रॉम ऑसिस दिस इज थ्रिल और इसका यूज फॉर कर्लिंग फिनिशिंग लुक के लिए कैसे करना है ये मैं हमारे क्लास में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन में एक ओपन लुक वेरिएशन और इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस आपको दिखाने वाली हूँ सो अगर आपको सीखना है कि इसको प्रॉपर यूज किस तरह से करना है कब करना है कैसे करना है सो जल्दी से जल्दी हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए और इसका यूज आप क्लास में सीखने वाले हो प्रैक्टिकली ओके सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट होता है बट प्रोडक्ट नॉलेज के अगेन मैं थोड़ा सा और आपको हार्ड स्प्रे और फाइन स्प्रे के बारे में बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज डीप नॉलेज मैं क्लास में दूंगी सो मार्केट में बहुत सारे हार्ड स्प्रेज अवेलेबल है जैसे टाफ्ट होता है ऑसिस होता है क्यून जस्ट मैं नाम बता देती हूँ कितने सारे हार्ड स्प्रे अवेलेबल है दिस इज द निर्विल अगेन द पी प्रोफेशनल नोवा गोल्ड अगेन दी बहुत सारे है एनजो है तो ये सब कब यूज करना है इसके अलावा मार्केट में अभी न्यू आ गए हैं ऑसिस के शाइन स्प्रे सॉरी दिस इज द शाइन स्प्रे ऑफ ओल्ड वन एंड न्यू वन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू ये क्लास में हम डिस्प्ले एक्सप्लेन करेंगे दिस इज द निर्विल शाइन स्प्रे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास सो ओके एंड ये क्लास में थ्योरी नॉलेज में हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बट आपको साथ में सिखाने वाले हैं एक स्टफिंग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं दिस इज द राउंड बट दिस इज द वेरी सॉफ्ट स्टफिंग सो ये स्टफिंग किस तरह से बनाना है दिस इज द वेरी हार्ड वन सो ये बहुत काम नहीं आता है क्लाइंट को स्टिकीनेस हो जाता है हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो बन भी नहीं बैठता है हेयर फाइबर किस तरह से बनाना है ये सिखाएंगे साथ में आपको स्टफिंग किस तरह से बनाना है ये भी सिखाने वाले हैं सो दिस इज द नॉलेज की हर शेप के स्टफिंग मरमेड स्टाइल में भी यूज होने वाला स्टफिंग एक बन में भी यूज होने वाला स्टफिंग आपके पफ में यूज होने वाला स्टफिंग और आपके बन में यूज होने वाला स्टफिंग ये सारे स्टफिंग हम खुद क्रिएट करने वाले हैं आप भी क्रिएट करोगे बाद में आपके घर पे बैठे हेयर फाइबर सो ये सारा प्रोडक्ट हो गया इसके अलावा एक्सटेंशन होते हैं मार्केट में एक्सटेंशन देखो जल्दी सो एक्सटेंशन कौन से मार्केट में अवेलेबल है लाइक इतने सारे एक्सटेंशन है एक हाईलाइट्स वाले लॉन्ग एक्सटेंशन है ब्लैक में एक्सटेंशन इसके अलावा एक जना जम इसके अलावा एक इसका एक और था ना कर्ल्स सो ये कर्ल्स में क्या डिफरेंस है आपके पास आप देख सकते हो एक वॉल्यूम वाला कर्ल्स है एक स्ट्रेट में नीचे नीचे कर्ल्स ये कर्ल्स को मैचिंग कर्ल्स करते हुए हमें ऊपर लगाना है
तो इसके साथ में क्विक वेरिएशन, किस तरह से ओपन लुक भी करना है, किस तरह से मरमेड भी बनानी है, ये सब अटैचमेंट के साथ में वेरिएशन ऑफ हेयर स्टाइल आपको सीखने मिलने वाली है विद ऐसे बड़े वाले स्ट्रेट एक्सटेंशन जो हमें कर्ल्स करके जाने हैं तो भी कर सकते हैं, या इसी के थ्रू अगर क्विक वेरिएशन मरमेड स्टाइल बनाना है तो किस तरह से बनाऊंगी, किसी के फ्रंट में हेयर कम होते हैं, बैक में थोड़ा सा ही पैच चाहिए रहता है, तो इसको प्लेसमेंट फ्रंट और बैक में किस तरह से करना है आप वो भी सीखने वाले हो। एंड किसी के बालों में, मेरे बालों में अगर मैं कर्ल्स करने जाऊँ तो मेरा वॉल्यूम इतना हो जाएगा, बट मुझे इतना हैवी वाला कर्ल्स मैं नहीं प्रिफर करती हूँ मेरे बालों में, बिकॉज बहुत हैवी हो जाता है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि उनके हेयर के साथ में एक ऐसा छोटा सा एक्सटेंशन ऐड करिए ताकि वॉल्यूम थोड़ा सा ही बढ़े, ओवर वॉल्यूम बढ़ के ना आए। सो ये कैसे इनके बालों पे कर्ल्स किस तरह से करना है, घर से कैसे प्रिपेयर करके जाना है वो कर सकते हैं, और साथ में ये तो दिखाते हैं, और साथ में इस तरह की ब्रेड्स अगर आपको बनानी है सो किस तरह से आप घर पे बना के जा सकते हो ऐसे बन के रेडीमेड के ऊपर। जो क्लाइंट बोले एडवांस टेक्निक का मुझे ये ब्रेड चाहिए, आप रेडीमेड घर से बना के जाइए और ये बनाने के बाद क्विकली वहां पे जाके एप्लीकेशन कीजिए। तो ये रेडीमेड किस तरह से लेके जाना है ये हम आपको क्विक वे में सिखाएंगे कि घर पे आप प्रिपेयर करके डायरेक्टली चले जाओ। सो ये सारा होने वाला है हमारे क्लास में, और साथ में बेसिक हेयर स्टाइल प्लस एडवांस हेयर स्टाइल। तो एडवांस हेयर स्टाइल की आज एक झलक देख लेते हैं कि क्विक में आपको हेयर स्टाइलिंग किस तरह से करनी है। सो आप सभी को मजा आ रहा है, आई होप एवरीवन एंजॉयिंग दिस सेशन। अगर आपने अभी भी शेयर नहीं किया है, यू स्टिल हैव अ चांस टू विन अवर गिव अवे टुडे सेशन, बिकॉज ये आज का सेशन है गिव अवे सेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहां से भी आप हमें देख रहे हो, इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर एंड फेसबुक अकाउंट है हमारा अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। स्क्रीनशॉट लेना है, नीचे नंबर पिन है उस पे आपको भेजना है 9773534947 9773534947, इस पे व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। लास्ट सिर्फ आपको हमारे लास्ट क्वेश्चन आंसर्स राउंड में ज्वाइन करना है, लाइव में आपके आंसर्स देने, एंड यू हैव द चांस टू विन अवर गिव अवे। सो विल स्टार्ट विद द हेयर स्टाइल सेशन, ये ले लो। मैम क्या आंसर दिया, केमिकल हेयर वाला ड्राई वाला? अभी आपको मैं पूछूंगी अभी वो हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएशन। आज मैं आपको बहुत इजी टेक्निक से कूलिंग किस तरह से करना है, परफेक्टली किस तरह से बनाना है, बन किस तरह से परफेक्टली लेना है, एलिगेंट सा हेयर स्टाइल किस तरह से देना है आपके क्लाइंट को, आज हम वो सीखने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारे फ्री क्लास में रजिस्टर नहीं किया है, गो फास्ट गो क्विकली, आज और कल का दिन सिर्फ आपके लिए बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। डू ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आवर 15 डेज बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of February टिल 24th February, एंड द कॉस्ट ऑफ कोर्स इज जीरो, बट येस यू हैव टू पे ओनली रजिस्ट्रेशन फीस, दैट इज 1000, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू 3 months वीडियो सेव एंड वीडियो रिकॉर्डेड वी आर गिविंग यू, एंड वी आर गिविंग यू सर्टिफिकेट एज वेल, दैट इज द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम अंकिस अकेडमी। सो सर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लिया, या इट्स ऑनलाइन बेस एंड इट्स ऑन इंस्टाग्राम प्राइवेट आईडी, सो यू कैन ज्वाइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने मिडल सेक्शन ले लिया है, एंड आपका पफ, बहुत लोगों का मैंने पफ देखा है, बिल्कुल भी नीट नहीं होता है,
उसपे कूलिंग भी नहीं होती और बन बनने के बाद तो पफ गायब ही हो जाता है या फ्रंट प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होती। तो आज आपका जो भी बेसिक पार्ट है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसी तरह की डीप नॉलेज के साथ 25 प्लस वेरिएशन में आपको क्लास में सिखाने वाले। सो जब भी हम बन बनाते हैं, बन के लिए दिस इज द सेक्शन फॉर योर पफ, ये हमारा सेक्शन हो जाता है पफ के लिए। पफ के बाद बन बनाने की मैंने बहुत लोगों को देखा है, व्हाट यू विल डू, कई बार बन यहाँ पे चला जाता है, तो बन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ से बन के यहाँ तक आता है, नीचे का पूरा नेक एरिया इतना दिख के आता है, इतना ऊपर उनका बन होता है। सो नो, आपको सेक्शनिंग प्रॉपर सीखनी है, आपको कहाँ पे कौन से बन को प्लेस करना है, किस तरह से बेबी हेयर का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। टफ ब्लू बॉटल बराबर है ना, थोड़ा बस और शाइन स्प्रे भी। सो यहाँ पे मैंने लिया हार्ट स्प्रे और मैंने यहाँ पे यूज किया है टाफ्ट, टाफ्ट के ऊपर मुंडी आपकी, सॉरी। सो आई एम यूजिंग टाफ्ट। किस तरह से स्प्रे किया आप सभी ने देखा, एंड अभी मेरा जजमेंट बहुत अच्छा है तो मैंने रैंडमली फटाफट ले ली, बट अगर आपने फर्स्ट टाइम ये आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं आपका आपका बन का पोनी, दिस इज द मिडल ऑफ द ईयर, आपका बन का पोनी की पोजीशन है एंड यू हैव टू टाई विद बंजी और एल्स, अगर आप नए हो ये फील्ड में तो आप दो रबर बैंड ले लो ताकि ये दो रबर बैंड खुद में ही क्रॉस हो जाएंगे और आपकी पोनी बिल्कुल लूज नहीं होगी एंड टाई भी आप एकदम परफेक्टली, बिगनर्स भी ये टेक्निक से फास्ट काम कर सकते हैं। कितना इजी है, अब मेरा बन कहां पे जाएगा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक आएगा, परफेक्ट मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम एक परफेक्ट हेस्टाइलिस्ट अगर हमें बनना है तो, बनना है तो, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट आई डू, यहां पे मैं कर रही हूं अब यहाँ पे पहले हम बन बना देते हैं। बन बनाने के लिए वैक्यूमिंग बहुत जरूरी है, किस तरह से आप वैक्यूमिंग करते हो, वॉल्यूम कम है तब वैक्यूमिंग किस तरह से करनी है, वॉल्यूम अच्छा है तब भी वैक्यूमिंग किस तरह से करनी है। सो जब भी आपके पास थोड़ा सा कम वॉल्यूम है यू हैव टू डू लाइक दिस। अगर वैक्यूमिंग नहीं होती है तो आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है, राइट? तो माय सेकंड क्वेश्चन, जब मेरे बालों पे बन बनाना है और मेरी वैक्यूमिंग नहीं होती है तो मुझे क्या अप्लाई करना है, कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है जिससे मेरी वैक्यूमिंग इजीली हो जाएगी, चाहे वो पफ हो चाहे वो बन हो, कहीं पे भी, चाहे जहां पे भी मुझे इस तरह की वैक्यूमिंग करनी है वहां पे किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, बी रेडी विथ सेकंड क्वेश्चन आंसर्स। सो इस तरह की जब मेरे को बन में बन बनाना है वैक्यूमिंग के थ्रू, बट वैक्यूमिंग करते वक्त मेरी वैक्यूमिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, सो बिकॉज ऑफ नेचुरली, तो क्यों नहीं हो रही है, तो मैं क्या प्रोडक्ट यूज करूं जिससे मेरी वैक्यूमिंग ऐसी हो जाएगी। एंड ये वैक्यूमिंग जरूरी नहीं है क्रिम्पिंग वाले बालों पे ही होगी, विदाउट क्रिम्पिंग हेयर पे भी ये वैक्यूमिंग हो सकती है, बट आपको उसके लिए कोई प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सो आपका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो भी लाइव में जुड़ेंगे रेडी रहना, सेकेंड क्वेश्चन मैंने वापस से रिपीट भी कर दिया है। सी कितने बाल थे,
और कितना बाल का वॉल्यूम हो गया अभी मेरे पास. सो नेक्स्ट यस सो नाउ आई एम यूजिंग नेट. दिस इज माय इनविजिबल नेट. इनविजिबल नेट होती है एक और एक छोटी नेट होती है. दो टाइप की नेट मार्केट में अवेलेबल है. सो यहाँ पे परफेक्टली इसके साथ में आपको अटैच करना है एंड यहाँ पे लगा देनी है एंड इसके अंदर. तो ये इस तरह का क्लास होने वाला है बट बहुत डीप नॉलेज के साथ. तभी के तभी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो जाएंगे. एंड सी यहां से इस तरह से एक परफेक्ट जैसा आपका स्टफिंग होता है ना वैसा ही मैंने उनके बालों का एक बन बना दिया. सी इट्स सो सॉफ्ट. तो क्लाइंट को भी हम आर्टिफिशियल कुछ भी लगाते हैं सो वो नहीं पसंद आता है. और ये इससे और एक बार बता दूं इससे क्लाइंट के हेयर में कभी भी कुछ भी डैमेज नहीं होगा. बट यस इसकी अगर आपको ओपन करने की टेक्निक आती रहेगी तो खींच के निकालोगे तो ये बाल भी डैमेज हो जाएंगे. सो ये बालों को ओपन करने की क्या टेक्निक है, किस तरह से मैं ये बालों को ओपन करूंगी. थर्ड क्वेश्चन ओके. सो अगर मुझे ये पफ वन के बालों में बैक कॉमिंग ओपन करनी है तो मैं कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करूं और फिर मैं उसकी बैक कॉमिंग कौन से ब्रश के साथ में खोलूं. ब्रश और प्रोडक्ट एप्लीकेशन दोनों का आंसर मुझे चाहिए विद द थर्ड क्वेश्चन आंसर्स. सी अभी नीचे मेरा कुछ भी बेस नहीं था तो मुझे क्या करना है, बॉबी पिन के अंदर से मेरे को पिन डालनी है ताकि ये जो बन है क्लाइंट नाचे कूदे गाए झूमे कुछ भी करे इधर से उधर हिलना नहीं चाहिए. एंड ये राउंड शेप परफेक्ट आना जरूरी है. सो क्लाइंट भी बोलना चाहिए मैं नाचू या गाऊ या झूमू या हंसू. नहीं कौन सा गाना था वो, मैं गाऊ या हंसू करू मैं क्या करू समथिंग लाइक दिस. आपको पता होगा ये नहीं पता है भाई, 90s के लोग हैं तो उनको पता है. कितने लोग 90s के हैं यहाँ पे, कितने लोगों ने ये गाना सुना है. सारे व्यूअर्स अभी क्वेश्चंस दे रहे हैं, अभी क्वेश्चंस नहीं चाहिए. हम लास्ट में आपको लाइव में ज्वाइन करेंगे तब हमें अभी आंसर मत बता दो नहीं तो किसी और को पता चल जाएगा, वो लाइव में जुड़ के आंसर दे देगा तो आपका चांस चला जाएगा. जी हाँ. आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. सो अभी फिलहाल आप फटाफट से फिर से सबको शेयर कर दीजिए. जितने भी लोग को आपको शेयर करना है, मेकअप आर्टिस्ट हेयर आर्टिस्ट सारे अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिए. और जल्दी से जल्दी हमें हमारे पिन डाउन किए वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करिए 9773549 47 पे. सो अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब टेक्निक देने वाली हूँ पफ के बारे में. ओ एक ने गाना बताया है, मैं रो या हंसू करूं मैं क्या करूं. करेक्ट, आप 90s के हो. यस जागृति जोशी, ग्रेट जागृति. तो मतलब आप मेरा सेशन बहुत ध्यान से सुन रहे हो, थैंक यू. एंड आई होप आप एंजॉय भी कर रहे हो बिकॉज थोड़ा सा फन सेशन के साथ में आज हमारा थोड़ा सा नॉलेजेबल सेशन भी है. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. एंड ऐसे ही और डीपली सीखना है तो जरूर से हमारा क्लास भी ज्वाइन कीजिए. सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कितना सेक्शन दिया है एंड थिन सेक्शन दिया है, 90 डिग्री पे वर्क करना है एंड बैक कॉमिंग करना है. मैम आपके सेशन मस्त होता है. थैंक यू. इतना ही मस्त और आपको सीखना है, ऐसे ही काम आपको 100% प्रोफेशनल से करना है. So you can join our online and else 100% hands-on practice के साथ सीखना है तो आप हमारे offline class join कर सकते हो. So यहाँ पे मैंने first layer मेरा create किया है, then again moving to second layer, वहां पे भी मैं इसी तरह से back combing कर रही हूँ
क्वेश्चन आंसर्स तो दिया है ना, ऐसे दिख रहे हैं क्या दिख रहा है, ये रहता है ना दिखता नहीं है। हाँ 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 देख, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लूँ। हाँ थोड़ा सा ऊपर लूँ, ये आप लोग नीचे नहीं दिख सकते, आपको होगा ऊपर ले सी। हाँ परफेक्ट, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। आपकी एकेडमी कहाँ पे है? मुलुंड मुंबई, वन एंड ओनली वन बेस्ट अकेडमी इन मुंबई, नियर स्टेशन। यस, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। यस, सो यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड लिया, थर्ड राउंड सॉरी, एंड जितने मुझे अच्छे खासे एक हाइट चाहिए वो मैंने क्रिएट ऑलमोस्ट कर दी। अगर आपको इससे ज्यादा हाइट चाहिए तो इसको मैं पिन करके इस तरह से यहाँ पे एज अ स्टफिंग, ये मेरा स्टफिंग भी बन गया। जितने लोग यहाँ पे स्टफिंग लगाते हैं वो मैंने बालों से क्रिएट कर लिया। इस तरह से आप हाइट भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे को नो चाहिए तो मैंने हाइट नहीं दिया, अभी किसी को हाइट चाहिए तो आप यहाँ पे पिन करके इसको इस तरह से एज अ स्टफिंग यूज करो। गुड आइडिया, ब्राइड के लिए काम आती है। सो ब्राइडल पफ सीखना है किस तरह से, और भी बहुत सारा कुछ होता है वो मैं आपको ब्राइड वेरिएशन में सिखाने वाली हूँ क्लास में। तो जिनको भी अपग्रेड करना है, 2024 में खुद का नाम बनाना है एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, सो बिगिनर्स भी हो तो भी ये ज्वाइन कर सकते हो, और अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है आपकी, या आपको लैक ऑफ नॉलेज है, या कुछ नए वेरिएशन सीखने हैं जो ट्रेंडी है, 24 में आपको काम आने वाले है, सो जरूर से ज्वाइन करना। सो बेसिकली आई वॉन्ट वन आंसर, आप लोग कहां से हमें देख रहे हो। सो दिस इज माई लास्ट पार्ट, जो मैं अभी लास्ट सेक्शन ले रही हूँ, 180 डिग्री पे बैककॉमिंग, जस्ट अ रूट बैककॉमिंग, दैट्स इट, एंड फिनिशिंग लेयर मैंने क्रिएट कर ली है। सो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि आप कहाँ कहाँ से आप हमें देख रहे हो। पुणे, कोमल लुनावत पुणे से देख रही है। हाय कोमल, हेलो पुणे वासियों, जल्दी से जल्दी और लोगों को भी पुणे में शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी रह ना जाए ये कोर्स को ज्वाइन करने से। प्रिया पाटिल फ्रॉम फेसबुक लुनावड़ा, लुनावड़ा। सो अब मेरे पास नीचे बन रेडी है और इसको मुझे करना है फिक्स। सो मैं यहाँ पे किस तरह से फिक्सिंग करने वाली हूँ, सबसे पहले तो अग्नि मेकओवर फ्रॉम नैरोबी, प्रीति 1997 गुजरात जामनगर, वेलकम टू इंडिया। यस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इंडिया विद नॉलेज सेशन। एकता ब्यूटी पार्लर मेहसाना, हेलो मैम, कर्नाटका हसन गुजरात, वड़कम वड़कम हमारे लिए पाकिस्तान, वेलकम सभी को हमारे सेशन पे वेलकम। और आप सभी के फ्रेंड सर्कल को, आर्टिस्ट को, सबको ये मैसेज हमारी तरफ से पहुंचाना कि जो भी लोग हमारे, जो वंस इन अ ईयर में हमारा जो क्लास होता है, बहुत लोग लास्ट ईयर हमारे यही कोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बट आई वॉन्ट दिस टाइम एवरीवन शुड ज्वाइन एंड एंजॉय दिस सेशन, एंड एंजॉय से ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में वो लेके जाए और इतना सारा अर्न करे ये नॉलेज के साथ में। और एज अ ट्रेनर अगर कोई है तो ये ट्रेनर के लिए भी है, आप लोग कुछ नया सीखिए और आपके स्टूडेंट्स को भी कुछ नया सिखाना। अग्नि मेकओवर्स, आई रियली लव हर ऑल सेशन, थैंक यू। सो यहाँ पे मैंने परफेक्टली क्रिएट किया है, नाउ आई एम टीचिंग हाउ टू डू अ परफेक्ट पुलिंग, जो 90% ऑफ पीपल फेसिंग द प्रॉब्लम्स, क्विक वे में आपको पुलिंग करने में प्रॉब्लम्स होती है। कई लोग तो डरते हैं पुलिंग, बाप रे पुलिंग करने बोल दिया क्लाइंट ने, अब मैं क्या करूं, चलो मैं भागती हूँ एक हेयर स्टाइलिस्ट को हायर करती हूँ और उसको बोलती हूँ हेयर स्टाइल कर दे। वाई, आप थोड़ा सीख लीजिए, आप खुद ही उस क्लाइंट को दे सकते हो, इतना इजी टेक्निक है। सो फर्स्ट मेरे दो फिंगर का कमाल है, सेकंड एंड माय थंब,
इट शुड या फर्स्ट फिंगर जो आप कंफर्टेबल हो यहां से सी इसको यहां से लेके मिडल से खींच लीजिए क्लियर अगेन द गैप शुड बी हियर एंड क्लियर प्रिया पाटिल क्लास कब से है क्लास 5th of Feb से है हमारा जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए अगेन ये डिस्टेंस सी एक फिंगर का डिस्टेंस है अगेन वन फिंगर डिस्टेंस यहाँ से मैंने गाइडलाइन ली मिडल में नहीं दिख रहा है अब दिख रहा है थोड़ा ये सर क्रॉस अब दिख रहा है सी नाउ यहाँ से मैंने गाइडलाइन ली मिडल में आके मैंने उसको पुल किया वट अबाउट नीचे बहुत लोग ऐसे 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 जाते रॉन्ग आपको इतना टाइम है क्लाइंट को करने के लिए यहाँ से खींचो ये खुद से ऊपर आ गया आपका दूसरा हाथ कब काम आएगा सीधा लो कैची के जैसे उसको नीचे खींचो ये दिस इज टेक्निक सी कितना क्विक हुआ सो यू हैव टू डू दिस टेक्निक फॉर योर हेयर सो यहाँ पे इस तरह से आपको पुलिंग लेनी है सो इजी टेक्निक है आई होप सभी को पसंद आई रहेगी अब आज से सब लोग ये टेक्निक ट्राई करेंगे क्विक में काम करेंगे एडवांस को नो नहीं बोलोगे आप कुछ नया क्लाइंट को दोगे जो नॉर्मल आर्टिस्ट से अच्छा फिनिशिंग और प्रैक्टिकल क्लाइंट को इतनी पुलिंग बहुत पसंद है दीजिए आपका एक काम अगर 1000 लोग के बीच में जाता है ना तो 1000 लोग में से एटलीस्ट 50 लोग आपको ऑर्डर देंगे और अच्छा खासा जो आप अगर 1000 रुपया अभी क्लाइंट से चार्ज करते रहोगे एग्जाम्पल तो लोग आपको ये फिनिशिंग वाला काम देख के माइट बी 3000-5000 देने भी रेडी हो जाएंगे सो यू वॉन्ट टू जम्प फ्रॉम 1000-5000 सो ऐसी टेक्निक अगर आपको सीखनी है क्विक इजी और अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे हाथ रखना है कहाँ पे पुल करना है सो डेफिनेटली ये 15 दिन का जो फ्री क्लास है आप सब मिस नहीं करना और बहुत सारा इस तरह से नॉलेज लेना और अच्छा खासा सीखना और एंजॉय करना प्रैक्टिस करना आपके क्लाइंट को ये जरूर से देना स्वामी समर्थ ब्यूटी हब थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच इससे तो 10 गुना नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज ये तो 10% नॉलेज है 1% नॉलेज थी ऐसे तो बहुत नॉलेज आपको क्लास में मिलने वाली है एंड दिस इज नॉट जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ क्लास दिस इज द सीरियस क्लास बहुत ही डीप नॉलेज के साथ जब आप ऑफलाइन में भी कहीं जाते हो ना तो वो लोग भी इतना नहीं सिखाते कि ऐसे करो ये टेक्निक हम हमारे एकेडमी से ही आपको सीखने मिलेगी सो यहाँ पे अगेन मैं यूज कर रही हूँ टॉफ इसको अब हम करेंगे लॉक जितनी आपकी स्पीड है बस उतना ही आप उसको स्प्रे करना एंगल मेंटेन करना और उसको क्विक में फिक्स कर देना ये उसका फिक्सिंग हो गया फिक्सिंग के लिए आपने देखा कोई मेरे हाथ चिपके गया लोगों के तो ऐसे करते हुए हाथ में चिपक के बेबी हेयर बाहर आ जाते हैं मैंने हाथ घुमाया है यहाँ पे देखो नाइस हेयर स्टाइल अभी तो हुआ नहीं अभी तो बहुत काम बाकी है इसीलिए आज मैंने इतना सिंपल लिया कि भाई अगर आप ये सिंपल भी कर दो तो पफ में करो बन में करो फ्रंट में करो आपकी नैया पार हो गई रीना यादव आपकी ऑनलाइन स्टूडेंट थी फ्रॉम दिल्ली यस डियर अभी हमारा वापस से कोर्स आया है आई सजेस्ट कि आप ये कोर्स भी ज्वाइन करना और कुछ नया सीखना नए वेरिएशन एलिगेंट वेरिएशन दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल क्लाइंट फ्रेंडली वेरिएशन जो आपको काम आने वाले हैं सो डेफिनेटली ये क्लास आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए और क्लाइंट को इतनी अच्छी अच्छी धमाकेदार वेरिएशन दो कि क्लाइंट भी आपके अगर रिपीटेटिव क्लाइंट है तो खुश हो जाए आपके काम से सी दिस इज द लॉ सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने क्या की फटाफट की आप क्या करते हो एक 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 को ऐसे ऐसे करने जाते हो या फिर दूसरा मिस्टेक क्या होता है ऐसे 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 अरे आप क्या खेल रहे हो क्या स्प्रे और बालों के साथ में नहीं करना है आपको जितना प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट का खर्चा आपके जेब से डाल रहे हो क्लाइंट उसका खर्चा नहीं दे रहा है सो प्रोडक्ट उतना ही यूज कीजिए जितने आपके क्लाइंट के बालों को रिक्वायर्ड लास्ट में हेयर स्टाइल होने के बाद क्या करते हैं शाइन स्प्रे लेते हैं ऐसे 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 करते हैं शाइन स्प्रे अभी करने की कोई चीज थी
शाइन स्प्रे का एक पर्पस है कि वो बेबी हेयर को सेट करे, पुलिंग के लिए मुझे हेल्प करे। अभी ये सिर्फ मैंने प्रोडक्ट का वेस्टेज किया, आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो जब मैंने पफ को सेट किया तब मैंने शाइन स्प्रे किया था ताकि मेरी बेबी हेयर फ्लाई ना हो और जितनी पुलिंग करनी उतनी ही पुलिंग हो। सो ये यूज होता है शाइन स्प्रे और हार्ट स्प्रे का। पहले आपको सेट करने के लिए बेबी हेयर को प्रॉपर करने के लिए शाइन स्प्रे, एंड जब पुलिंग करनी है तो 100% शाइन स्प्रे करना ही है ताकि जितना आपको पुल करना है उतने ही सेक्शन आपके हाथ में। लॉकिंग के बाद हार्ट स्प्रे। तो माय फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, दिस डमी प्राइस इज प्लीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे हमारी टीम आपको आंसर दे देगी। क्या होगा देखो, सो इसको हम फोर्थ क्वेश्चन मैं थोड़े टाइम में पूछ लेती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक बंजी बना ली है और इसको मैं करूंगी इस तरह से लॉक। इजी, ना मेरी पुलिंग खराब हुई ना कुछ हुआ। और रबर बैंड की वजह से मैंने पुलिंग किया है तो मुझे पुलिंग की जो फिनिशिंग देनी है अभी भी मैं दे सकती हूँ। हर एक बार को परफेक्टली डिफाइन कर सकती हूँ, हर एक पुलिंग को परफेक्टली डिफाइन कर सकती हूँ। सो दिस इज द बेस्ट एवर पार्ट। So, यहाँ पे मेरा पफ पुलिंग कंप्लीट हुआ है। पफ पे भी आपका परफेक्ट राउंड शेप आना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम फ्रंट की तरफ मूव ऑन करते हैं और फ्रंट में भी मैं यहाँ पे अगेन शाइन स्प्रे कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे शाइन स्प्रे करते वक्त क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा पफ आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल भी बैक कॉमिंग नहीं है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूंगी तो ये पार्ट दबा हुआ लगेगा। सो ऑलवेज आपको यहाँ से एक सेक्शन को रिमूव करना है, ये पार्ट को एज अ बेस यहाँ पे आपको करना है। सो मैंने यहाँ पे बैक कॉमिंग किया और यहाँ पे फिर इसको सेट कर देना है। क्वेश्चन से वीडियो सेव रहेंगे नहीं रहेंगे, आप जल्दी से जल्दी सबको शेयर करिए, शेयर करो और हमें स्क्रीनशॉट सेंड करिए। अगर आपको क्या बोलते हैं वो गिफ्ट विन होना है तो गिफ्ट विन भी नहीं होना है, नहीं आंसर देना है तो भी अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लग रहा है स्टिल यू कैन। सो यहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग से वापस से, और आप इसके साथ चाहो तो कोई भी अलग वेरिएशन अगर आपको पसंद है दूसरे कोई भी वेरिएशन तो आप वो भी दे सकते हो। मैं एकदम सिंपल एलिगेंट वे से आपको पुलिंग की टेक्निक आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो वही टेक्निक लेके आई हूँ। अगेन जब मेरा सेक्शन, दिस इज माय स्प्रेडिंग विद पुलिंग टेक्निक, अभी मैंने सिर्फ पुलिंग किया था, अब मेरा सेक्शन है स्प्रेडिंग के साथ पुलिंग। सो ये एंगल परफेक्ट होना चाहिए, होल्डिंग जहां पे मुझे लॉक करना है वो हाथ रिमूव करके ये मेरा स्प्रेडिंग हो गया। स्प्रेडिंग के बाद सेकेंड थिंग यहाँ पे मुझे करना है होल्ड। अब यहाँ पे भी पुलिंग लेनी है तो यहाँ पे पुलिंग किस तरह से करोगे, सो अगेन पुलिंग शुड बी, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ बट कभी भी हेयर स्टाइल करने के लिए आपको क्लाइंट के पीछे ही खड़ा रहना है। बट एज अ एडिकेटर यू हैव दिस मच ऑफ टैलेंट कि आपको कोई भी एंगल से करो आपके परफेक्शन आना ही है, बट अगर आप स्टार्टिंग बेस हो तो आप बैक साइड से ही क्लाइंट के आगे आके ऐसे ऐसे नहीं करना, क्लाइंट के पीछे से ही आपको प्रॉपर वेरिएशन करना है। मैं आपको दिखे इसलिए ये साइड आई हूं, यहां से मैंने लिया और इसको मैंने यहां से इस तरह से
सी मस्त है ना, इसको कनेक्शन में जाना चाहिए, अलग से कुछ दिखना नहीं चाहिए कि भाई ये फ्रंट अलग है, साइड एंगल से कोई दिखे तो यहां से लेके यहां तक का पूरा राउंड सेक्शन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुल किया, और यहाँ पे मैंने लिटिल आगे की साइड में पुल किया, सो ये एरिया यहां से लेके यहाँ पे, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ पे, तब जाके आपका एक राउंड सेक्शन कंप्लीट बनता है। एंड व्हाट अबाउट द फ्रंट, अगर फॉरहेड है, सिर्फ मांग टिक्का डाला है, ये पार्ट का क्या प्रॉब्लम आएगा? तो ये पार्ट में आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए और यहाँ पे एक और पुलिंग ले लीजिए, हो गया आपका फॉरहेड प्रॉब्लम सॉल्व साइड एंगल से। अब इसको हम क्विक वे में लॉकिंग भी करते, सी कैसा लग रहा है, यहां से पूरा एक राउंड शेप, अगेन एक 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 को। अब मैं क्लाइंट के पीछे आई हूं स्प्रे करने, तो ऐसा स्प्रे करोगे तो बाहर चला जाएगा, यू हैव टू स्प्रे इनवर्ड, जो डायरेक्शन में आपके हेयर जा रहे हैं वही डायरेक्शन में आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे का काम होल्ड करना होता है, शाइन स्प्रे का काम बेबी हेयर और फिनिशिंग लाने के लिए काम करने का होता है। क्वेश्चन फोर नहीं, क्वेश्चन फोर क्या आप बताओ क्या पूछू, चलो। सो यहाँ पे अब मुझे लॉक करना है अगेन, तो मैंने यहां से दोनों पुलिंग में क्या अलग किया आपने? सो यहाँ पे इसको मैं पिन कर रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिनिंग, आपके पिन एक बी हेयर स्टाइल के बाद एक बी पिन विजिबल नहीं होने चाहिए, देन यू आर दी 100% सक्सेसफुल आर्टिस्ट। अगर आपके पिन विजिबल है मतलब आप कहीं ना कहीं अभी भी परफेक्शन से दूर हो। So, यहाँ पे अगर कई बार बैठा हुआ लगे, यहाँ से इस तरह से लिटिल ले लो। ये कब करना है, पिनिंग क्रॉस पिन लॉकिंग होने के बाद, पहले ही कर दोगे तो जितना खींचोगे उतना उससे ज्यादा तो बाहर आ जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, परफेक्ट। यस, नेक्स्ट वो साइड में। So, जब भी फ्रंट वेरिएशन लेना है फ्लैट लुक में और पुलिंग करना है, सो ऑलवेज बॉक्स पार्टिंग को अलग कर दो। एंड सो माय फोर्थ क्वेश्चन, जब मैं पफ बनाती हूं तो स्टार्टिंग में कौन सी डिग्री पे बैक कॉमिंग होती है? फोर्थ क्वेश्चन, जब मैं पफ बनाती हूँ बैक कॉमिंग करती हूँ तब कौन सी डिग्री पे बैक कॉमिंग होती है एंड कौन सी डिग्री पे स्प्रे होता है और कौन सा स्प्रे होता है? तीन क्वेश्चन एक साथ आंसर देने हैं, कौन सी डिग्री पे बैक कॉमिंग होती है, कौन सा स्प्रे होता है और कौन से एंगल पे बैक कॉमिंग करती हूँ, कौन से डिग्री पे स्प्रे करती हूँ और कौन सा स्प्रे करती हूँ। जिसने एकदम ध्यान से देखा है ये क्वेश्चन उसको तो ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एक बॉबी पिन दे दो मुझे, चार क्वेश्चन हमने पूछ लिए अभी तक, बी रेडी विथ योर आंसर, मेरी हेयरस्टाइल सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगी, आई होप आप सब रेडी रहोगे। स्प्रेडिंग का एक ही रूल, जहां पे आपको होल्ड करना है आपका होल्ड वहां तक होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, ऊपर से नीचे तक उसको स्प्रेड के लिए लेके आइए। अभी आंसर्स मत दीजिए, सब अभी देर प्लीज अभी आंसर मत दो, आप आपका चांस लूज कर रहे हो। आपको आंसर देने का मौका मिलेगा और फेयर चांस है, ये टाइम आप लाइव में आओगे, आपने करेक्ट आंसर दिया मतलब आप विन हो, और हमारी टीम यहाँ पे साथ में चेक कर लेगी कि आपने शेयर किया है या नहीं। सो डेफिनेटली आप
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ विनर में से एक विनर होने वाली हो। सो जल्दी से जल्दी ये लाइव फिर से शेयर करिए जब तक मैम पुलिंग कर रही है, और हमें स्क्रीनशॉट सेंड करिए व्हाट्सएप पे जो नंबर यहाँ पे पिन किया हुआ है। सो यहाँ पे अब मैं पीछे की साइड खड़ी हूँ तो मेरा काम दोनों साइमल्टेनियसली होता है। यहाँ पे मैं पुल भी कर रही हूँ, साथ में यहाँ पे मैं स्प्रेड नीचे की तरफ भी। तो ये होती है क्विक वे में करने की टेक्निक। और यहाँ पे अब स्प्रेड हो जाएगा लिटिल, तो यहाँ पे मैंने पुल ले लिया। सो टू इन वन प्रोसेस मेरे हाथ में साथ में चल रही है अभी। सो दिस इज दी व्हाट आई कॉल मैजिक ऑफ माय हैंड मूवमेंट। तो हेयर स्टाइलिंग में अगर आप हैंड मूवमेंट से जीत गए मतलब आप जीत गए। सो यहाँ पे ये साइड का भी पोर्शन कंप्लीट है। क्लाइंट के ऑलवेज साइड में आना है, यहाँ पे पकड़ लेना है बॉबी पिन की हेल्प से। एक पिन ऑलवेज यू हैव टू डू अ क्रॉस पिनिंग, और बाद में जो भी मॉडिफिकेशन है कहीं पे दबा हुआ है कुछ भी है तो वो आपको बाद में करना है। सो कैसा रहा आज का सेशन सभी के लिए? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बेबी को आंसर दे सकते हैं। सो अगेन द नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पे हम करेंगे। सो जब भी आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप सिंपल पुलिंग में भी वर्क कर सकते हो, आप डीप पुल में भी काम कर सकते हो। पर डीप पुलिंग कब ले सकते हो, सिंपल पुलिंग कब ले सकते हो, ये दोनों का आंसर बहुत इजी है। यहाँ पे मुझे अभी इसको ना स्प्रेड करना है यहाँ तक, तो ये ऐसे स्प्रेड करूंगी तो गैपिंग हो जाती है। सो क्या करना है आपको, जब भी बर्न के या पोनी बनाते हो, लो पोनी में वेरिएशन करते हो, तो आपकी बैक कॉमिंग ऊपर से नीचे नहीं बट आपकी बैक कॉमिंग होनी चाहिए। सो आपकी बैक कॉमिंग कैसे, ये ऐसे नहीं होती है, एक सेक्शन या दो सेक्शन जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उसी हिसाब से बैकवर्ड ऐसे वॉल्यूम डिफाइन कर ली है। ये आपकी बैक कॉमिंग बर्न पे भी काम आएगी, पोनी स्टाइल वेरिएशन के लिए भी काम आएगी। सो ये हो गया बैक कॉमिंग एंड देन स्प्रेड। नाउ यू कैन सी द स्प्रेडिंग। अब देखो कितने अच्छे से, जितने लेवल पे मुझे चाहिए मैं उतने लेवल पे उसको स्प्रेड कर सकती हूँ। और रह भी गया बिकॉज बन के पार्ट के ये सेक्शन में मैंने बैक कॉमिंग की है और मैंने उसको स्प्रे करके अच्छे से लॉक भी किया। यहाँ पे थोड़ा सा कम बैक कॉमिंग बिकॉज रूट बैक कॉमिंग है, फिनिशिंग लेयर है मेरा। यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे कर दूंगी। वेरी नाइस, मस्त लगा, नॉलेजेबल वाला था, वेरी नाइस, नाइस मैम, थैंक यू, नाइस टॉपिक, नाइस टेक्निक। और यहाँ पे इस तरह से किसी के बाल बहुत अच्छे खासे लंबे हैं तो थोड़ा सा आप उसको अलग वेरिएशन यही टेक्निक में देख के कर्ल्स करके आप पोनी स्टाइल वेरिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वेरी नाइस मैम। अब यहाँ पे मुझे पुलिंग लेना है तो किस तरह से पुलिंग लेंगे, सिंपल यहाँ से लो यू पिन डाल दो। जस्ट क्लियर योर सेक्शन
और यहाँ पे आप डीप कूलिंग कर सकते हो, बट मैं आज आपको एकदम नॉर्मल कूलिंग में ही लेक्चर दे रही हूँ, तो वही आप अच्छे से सीखिए। और बट ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को आप इतना सारा डाल दो, अगर आप कहीं पफ में डाल रहे हो, फ्रंट डाल रहे हो, तो बैक आप सिंपल एसेसरी से प्लेस कर सकते हो। प्लेन पफ ले लो तो फ्रंट और बन पे आप कूलिंग दे सकते हो, कई बार सिर्फ प्लेन पफ और फ्रंट कूलिंग और सिंपल बन में भी काम कर सकते हो। तो एक वेरिएशन को पांच पार्ट में कट करो, पांच हेयर स्टाइल बना लो। तो ये होती है एक हेयर स्टाइल की टाइम सेविंग की बात, कि आपके पास कितना टाइम है, क्लाइंट को उतने ही वेरिएशन। तीन पार्ट होते हैं, फ्रंट पफ और बन, आपको चूज करना है आपके पास कितना टाइम है। सिर्फ फ्रंट करना है, फ्रंट में ही क्रिम्पिंग करो, फ्रंट और पफ में पुलिंग देनी है तो उतने पार्ट में दो। बन पे भी चाहिए तो माय डियर फ्रेंड, पफ में अगर आपकी क्रिम्पिंग है तो वही बात यहाँ पे भी आए हैं, तो नीचे बन के पार्ट को अननेसेसरी क्रिम्पिंग मत करो, वो वैसे भी अंदर ही जाने वाले हैं। तो आपका जो मेन फोकस रहेगा फ्रंट और पफ, और पफ में भी अगर पूरा नहीं आता है तो एक थिक लेयर, सिर्फ दो लेयर आपके क्रिम्प वाले कर दो, बस हो जाएंगे। बट क्रिम्पिंग ऐसी होनी चाहिए जो निकले नहीं, नहीं तो आधे लोगों का मेकअप और हेयर पे आते हैं तो क्रिम्पिंग तो गायब हो जाती है और बोलते हैं नहीं हो रही है, फिनिशिंग नहीं आ रही है, बिकॉज आपकी क्रिम्पिंग तब वहां पे बराबर नहीं हुई है। डिम्पल जी नहीं, वीडियो सेव नहीं रहेगा। वेरी नाइस नाइस टिप्स मैम, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम डियर। सो ये पुलिंग की, जब मैं बन पे पुलिंग करती हूँ तो इसका स्प्रे करने का टेक्निक भी अलग होता है। ऐसे ही कर दूंगी तो एक ऊपर है एक नीचे है, जैसे स्प्रे ऊपर कर रही हूँ वापस वो नीचे ड्रॉप हो जा रहा है, तो होल्ड कैसे होगा? होल्ड करने के लिए सिंपल टेक्निक है, आप एक एक पुलिंग को थोड़ा सा ऊपर खींचिए, स्प्रे कर दीजिए, ऊपर खींचिए स्प्रे कीजिए, दोनों साइड स्प्रे कर दीजिए, सी इट्स स्टे, हो रहा है ना स्टे, ऊपर ऊपर जितना ऊपर आपको चाहिए उतना ऊपर पुल करिए, रहेगा जितना नीचे चाहिए उतना नीचे खींच लो, उतना ही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का, आपको कितनी पुलिंग ऊपर चाहिए वो आपके हाथों पे डिपेंड है, कितना आप पुल करते हो उस पे डिपेंड होता है। को हम पहले मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर किया है, अभी हर सेक्शन को मैं नीचे भी स्प्रे कर रही हूँ। सो आज का एकदम समथिंग डिफरेंट नॉलेजेबल सेशन विद द यूनिक टेक्निक। यस फिफ्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं भी कुछ सोच रही हूँ। सो यहाँ पे अभी इसको लॉक कर देते हैं, यहाँ से हाफ सेक्शन। जल्दी से शेयर कीजिए, दो मिनट का टाइम है अभी भी क्वेश्चन आंसर्स राउंड में हमारे साथ लाइव में। अगर आपको जुड़ना है, कुछ नया करना है, गिफ्ट पाना है, शेयर कीजिए, इसके बाद तुरंत लाइव सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड यू गेट चांस टू विन इन अवर गिफ्ट सेशन। सो यहाँ पे देखो मेरी पिन भी हाइड हो गई और मेरा वेरिएशन भी हाफ टक हो गया। बाल छोटे हैं तो कैसे कवर होगा वो सीखने के लिए क्लास में आ जाइए, उसकी टेक्निक मैं क्लास में सिखाऊंगी। तो उसके लिए हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे सिखाऊंगी तो आप कैसे सीखोगे डीप नॉलेज के साथ।
बट आपने अच्छे से देखा और क्वेश्चन आया, वही बहुत बड़ी बात है. गुड. सो यहाँ पे ये ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, ओवरलैप. तो दिस इज दी पार्ट जहां पे आपको सीखना है, ये यहीं पे, ये सेक्शन को यहीं पे ट्विस्ट करो ताकि ये स्ट्रेट ही रहे. यहां पे ही नीचे उसको पिन करो ताकि वो राउंड शेप भी मेंटेन रहे. और यू पिन के ऊपर मैंने किया बॉबी पिन. एंड फिर यहां से इसके बालों को लेके लग रहा है राउंड शेप के लिए खींचना है, फुलिंग खींचनी है तो वो खींच लीजिए. परफेक्ट. और फिर आप ये सारे पिंस निकाल दीजिए ध्यान से, शांति से. कई बार बाल भी आ जाते हैं तो वो ना आए. और मुझे ये दे दीजिए एक्सेसरी. Wow, ma'am, very nice. Superb, superb, superb. Thank you. So, कितने लोग अभी लाइव क्वेश्चन आंसर्स के लिए जुड़ने वाले हैं? जल्दी से कमेंट में डालो कौन कौन जुड़ना चाहता है. जिसको मजा आया रहेगा आंसर देने के लिए, लाइव में आने का चांस मिल रहा है. अगर आप लाइव आते भी हो तो दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता दूं, आपके सारे फ्रेंड को नोटिफिकेशन भी आएगा कि यू आर दी हेयर स्टाइलिस्ट जिसने आपने करेक्ट आंसर भी दिया और गिफ्ट भी जीता और नॉलेजेबल सेशन आपने अटेंड किया और वो रह गए. आप अपग्रेड हो गए और वो रह गए. बड़ा छोटा दोनों दोनों बड़ा भी दिखा. एक्सेसरी प्लेसमेंट जैसे हमेशा सर बोलते हैं चेरी वाला केक. आज सर नहीं है तो सर की कमी कितने लोगों को खल रही है. बताओ. सर भी देखते रहेंगे, सर की कमी कितने लोगों को खल रही है वो भी बता दो. फेसबुक से वैशाली जी को जुड़ना है. ओके. सो इंस्टाग्राम पीपल कितने लोगों को हमारे लाइव में ज्वाइन होना है. बॉबी पिन रहेगा नीचे मैम, एक कोमल कुलावर नीचे साइड से बॉबी पिन डालेंगे तो वो रहेगा. हाँ, बॉबी यू पिन पे बॉबी पिन डाली है. रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो चलाऊंगी थोड़ी उसको. दर्शना भाटी को ज्वाइंट होना है. यस सर की वॉइस मिस जरूर कर रहे हैं. ओके ठीक है. बिंदल पाटिल मेकओवर को भी ज्वाइंट होना है. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन ऑन स्पॉट क्वेश्चन रहेगा. So, पहले से प्रिपेयर वाला क्वेश्चन नहीं होगा. जो भी लाइव में जुड़ेंगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर देंगे, उनको गिफ्ट मिलेगा. चार क्वेश्चन मैंने पहले से आपको बता दिए तो आप गूगल सर्च भी मार सकते थे. पांचवा क्वेश्चन गूगल सर्च के लिए ऑप्शन नहीं है आपके पास, सो वो आपको डायरेक्टली ज्वाइन करके आंसर देना है. बट मेक श्योर उसके पहले आपने शेयरिंग किया हुआ है और हमारे टीम के पास आपका शेयरिंग मिल चुका है, तभी मिलेगा. नहीं तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, बट आंसर तो जरूर सुन लूंगी मैं आपका. कर देता है.
रत्ना मैडम तो वेरी गुड में रहती ही है। सो आई होप आज का जो ये हेयर स्टाइल है आप सभी को पसंद आया रहेगा और मजा भी आ रहेगा। ये टेक्निक आप जरूर से यूज करना, एंजॉय करना, आपके क्लाइंट को देना और आज के सेशन से एटलीस्ट आप 10 क्लाइंट को जरूर से करना। बाबा को बाय बोल दो। बाय बाबा। अब बेबियां सब आ जाएगी। मैम क्वेश्चन पूछो। उर्मिला जी इज रेडी। शेयर है ना आपका? सम रेडी विद मी प्लीज। मुझे भी रिपीट करा दीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस भूल गई। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक कॉम्बिंग ओपन करने के लिए क्या प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए, कौन सा हेयर कॉम्ब यूज करना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब मैंने बन बनाया था तब मैंने बहुत अच्छे से एक बैक कॉम्बिंग सिखाई थी। अब उस बैक कॉम्बिंग को अगर आपको दूसरी हेयर स्टाइल करनी है तो बट ऑफिस ओपन करनी पड़ेगी, बालों को टूटे नहीं, बाल एकदम अच्छे से खुल जाए, तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करेंगे, मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे और कौन सा कॉम्ब यूज करना चाहिए। सो प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जीत जाइए, जुड़ जाइए और आप जीत सकते हो। प्लीज फर्स्ट का आपका गिफ्ट दिखा दीजिए कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है हमारे फर्स्ट आंसर्स देने वाले। फर्स्ट था ये ग्रीन वाला था ना, पूजा ठाकरे टेलकॉम। नहीं यहाँ पे आंसर नहीं देना, आपको लाइव में जुड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जिसने भी आंसर दिया उसको ये मिलने वाला है। तो उसके पहले हम चाहते हैं, कहाँ से आप जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, किसको जुड़ा रहे हो? एक इंस्टाग्राम से रहेगा, एक फेसबुक से रहेगा, साइमल्टेनियसली रहेगा। और फिफ्थ क्वेश्चन तो जो आंसर देगा वो जीतेगा, चाहे वो इंस्टा हो फेसबुक से। इंस्टा से या प्लीज, कौन है फर्स्ट? रानी कोहली 8650। ओके, उसका देख लीजिए, उनका शेयर स्क्रीनशॉट शेयरिंग है। लाइव ज्वाइन किया जिस 2 मिनट के लिए पॉज। So is it my voice visible, audible है? Am I visible properly and audible?
फेसबुक से ज्वाइन किया है, यस मैम, बट आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई है, मैं ज्वाइन कैसे कराऊँ आपको? जिनको भी आंसर्स देने हैं प्लीज ज्वाइन इन अ लाइव सेशन। के भी वीडियो से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट भेज ये कौन या समवन इज जॉइनिंग कौन है फ्लॉलेस फेस अगेन सो कौन ज्वाइन हुआ है हमारे साथ एक सेकेंड प्रॉब्लम सो व्हाट आई डू यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रही हूँ एंड नेक्स्ट सेशन हम ज्वाइनिंग करने के लिए कर रहे हैं सो डू ज्वाइन अगेन ये सेशन को हम तब तक सेव कर लेते हैं ओके आई 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 हेलो हेलो आपकी वॉइस नहीं आ रही है कहाँ से जुड़े हो हमारे साथ हेलो हेलो कहाँ से जुड़े हो आपका नाम क्या है मेरा नाम रीता है मैं बिलासपुर से हूँ ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने शेयर किया है सबसे पहले मैं बाद में ज्वाइन हुई हूँ बट शेयरिंग कर लीजिए कोई बात नहीं और आपका क्वेश्चन का आंसर देने आए हो ना कि बातें करने आए हो बस बातें करने आई हूँ ओके नो प्रॉब्लम बोलिए कैसा रहा बाद में भी ज्वाइन किया तो सेशन कैसा रहा मजा आया बहुत बढ़िया अच्छी नॉलेज मैम थैंक यू और कितने टाइम से आप हमें फॉलो कर रहे हो 5-6 महीना हुआ है मैम अभी ओके ग्रेट तो ऐसे ही जुड़े रहना और ये टाइम का फ्री कोर्स ज्वाइन किया है कि नहीं किया है नहीं मैम अभी नहीं किया है ओके कर लीजिए ताकि आपको फ्री कोर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो और आपके आप ही फिट हो ना मेकअप आर्टिस्ट ही हो ना जी जी मैम तो फिर तो जरूर से करिए ताकि आपको लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जो फ्री में मिल रहा है और आप बहुत कुछ सीखोगे इसमें जी जी जितना आज मैंने 1% सीखा है उससे कई गुना हमारे क्लास में आपको सीखने मिलने वाला है जी और कोई प्रॉब्लम है जो आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो नहीं मैम मैं मुझे ना पफ बनाने में तकलीफ होती है तो आज मैंने थोड़ा सा सिखाया है वो टेक्निक से आप ट्राई करना या तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो 100% परफेक्शन से आपको किस तरह से बनाना है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा ये मेरी गारंटी है आपको जी 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 और जी मैं आपको देखूंगी अच्छे से सीखूंगी यस डेफिनेटली ऑल द बेस्ट थैंक यू मैम मोस्ट वेलकम आपके यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट करना होगा ओके जी जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन जी थैंक यू मैम सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है अगर आप व्यू देख रहे हो और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अगर आपने मैक्सिमम शेयर किया भी है सो जल्दी से जल्दी हमारे लाइव से आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा ऑप्शन होता है हाँ हो गया सो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए कमेंट में आपका नाम भी डालिए ताकि हमें पता चले कि आपने शेयर किया है और आपको हमें ज्वाइन करना है इधर है इसमें नहीं आ रही है ना रिक्वेस्ट किधर आ रही है फेसबुक व्यूअर्स आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए एंड हम जरूर से आपको ज्वाइन क्या है इतना ठीक है फ्लैश अच्छा फ्लैश ज्वाइन
काम है ज्वाइन के लिए, क्योंकि पहली बार की ब्रेक तो हो गया। अब लेट्स सी, सो लेट्स सी हु इज कमिंग लाइव। ओके हेलो, आई एम प्रीति फ्रॉम जामनगर गुजरात। ओके हेलो, मैंने अभी अभी आपका ज्वाइन किया है। Okay. अभी कुछ ही दिनों से मैं आपका क्लास देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नई नई टेक्निक, आपकी ट्रिक टेक्निक है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं करती हूँ वो मुझे अब आसान लगने लगा है। थैंक यू। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि साइन स्प्रे करके पेडल ब्रश की हेल्प से हम बैक कॉमिंग रिमूव कर सकते हैं। यस, वेरी गुड 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 गुड। बॉम्बे आऊंगी पक्का। पक्का मुंबई आओगे तो मुलुंड में जरूर से आना। मुंबई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, थैंक यू। तो आपका एड्रेस भेज देना हमें। ओके चलो, सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते रहो। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्रीति जी ने दिया है फ्रॉम जामनगर, राइट? फ्रॉम जामनगर से प्रीति जी ने हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति, यू आर द लकी विनर फॉर फर्स्ट गिव अवे गिफ्ट। सेकेंड गिव अवे गिफ्ट दिखा दो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन था बैक कॉमिंग किया हुआ था बन के ऊपर, तो उसको कौन सा प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना, कौन से ब्रश के थ्रू उसको रिमूव करना है। सो आंसर इज शाइन स्प्रे एंड पेडल ब्रश। सेकंड क्वेश्चन, सो सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछने के पहले मैं ये एक्सेसरी आप सभी को दिखा देती हूँ। दिस इज दी बटर, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स है। मैं अगर आपको इस पे रख के दिखाऊ तो सी ऐसे फ्लावर्स है, जो पांच फ्लावर्स आपको एक पैकेट में मिल रहे हैं। दिस इज कॉस्टिंग अराउंड 500। सो अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देते हो तो यू आर द लकी विनर। सेकंड क्वेश्चन, जब बाल पे बैक कॉमिंग बन बनाना हो लेकिन बैक कॉमिंग के थ्रू बैक कॉमिंग नहीं दिख रहा है तो क्या यूज। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, जब मैंने बन के ऊपर मैं बैक कॉमिंग कर रही थी, मेरे बाल रफ थे तो मेरी बैक कॉमिंग बहुत इजीली हो गई, बट ऐसी बैक कॉमिंग नहीं हो पाती तो कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिंपली एक प्रोडक्ट का नाम है, वही आपको देना है। सो डू जॉइन क्विकली, सेंड अ रिक्वेस्ट फास्ट। और उसके पहले रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो मेक श्योर यू आर द शेयरिंग दिस सेशन मैक्सिमम। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जल्दी से लाइव में जुड़ जाओ। और 3 क्वेश्चन बाकी है। सेकंड क्वेश्चन, फेसबुक पे सब सोए हुए हैं, कोई आंसर्स दे नहीं रहा है, ना कोई पूछ रहा है। जल्दी से लाइव में जुड़िए। लाइव में जुड़ने के लिए आपको लाइव में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। सो यहाँ से तब तक हम इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं। इंस्टाग्राम पे नेक्स्ट हमारे जुड़ने वाले जो व्यूअर्स है, लेट्स सी कौन जुड़ता है हमारे साथ में। भानुशाली 9994। ओके, मयूरी भानुशाली जी, आई होप वो ज्वाइन कर पाए। सो लेट्स सी कौन है नेक्स्ट और कहां से है हमारे साथ। नहीं नहीं है, डिक्लाइन हो गया। ओके, सो जल्दी से जल्दी जुड़िए। सेकंड किसको जुड़ना है, किसको क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, कौन दे सकता है और किसको ये गिफ्ट चाहिए। कोमल करके किसी का आ रहा है तो उसको जान। बिंदल पर तो यहाँ पे हमारे साथ सेकंड व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेलकम, हेलो, आप नहीं दिख रहे हो, जाग जाइए। सो माय सेकंड क्वेश्चन, जब मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ बनाने के लिए बट मेरी बैक कॉमिंग नहीं हो रही है तो कौन सा प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना चाहिए। आप दिख नहीं रहे हो। हेलो मैम, मेरा वॉइस आ रहा है मैम?
वॉइस आ रहा है, आप दिख नहीं रहे हो। डस्टिंग पाउडर यूज करना चाहिए। ओके, बट आप दिख भी नहीं रहे हो वीडियो। हाँ मैम, कैमरा मेरा क्यों दिख नहीं रहा। मैं बिंदल वीडियो पटेल बोल रही हूँ, आपका टू वीडियो मंथ का वीडियो क्लास किया बटन था होता है ना, मैंने। वो आपका बंद है वहां पे, वीडियो बटन बंद है। लाइट हाँ 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 मेरा फ्रंट कैमरा मैम कहीं से, मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ। कैमरा कभी आ हाँ गया, आ कैसे गया, मैं आ तो गया। बिंदल पटेल हूँ भी। हाय मैम, कहाँ से हो एंड पार्टन, कांग्रेचुलेशन, कहाँ से थैंक हो? यू, पार्टन से। ओके मैंने आपका 2 मंथ का क्लास ऑनलाइन किया था, लास्ट वाला यस था आई नो, ना आप मैम, सेशन मेरे शेयर कर दो, ये मुझे भी पता पता है। है आपको। हाँ मैं नाम से आपको मुझे पहचानते होगे। यस मैंने आप दो बार गिफ्ट में ली है आपकी पास से, मुझे पता पता है, दो बार मुझे है ना। हमेशा मुझे आपका स्क्रीनशॉट आता है, ये मुझे आप पता बहुत है। पसंद हो, मुझे आप बहुत पसंद थैंक यू। सो हो। हर लाइव आपका आपका आंसर मैं हर करेक्ट लाइव देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है आपके लाइव से ग्रेट। करके। और आपके क्लाइंट को देते हो या नहीं वेरिएशन? अच्छे अच्छे देती हूँ आप, ग्रेट। मेरे इंस्टा में है सब, लाइव में देखती हूँ और हेयर स्टाइल भी हो जाती है मेरी। वाओ सो स्वीट, अच्छी मुझे बात है। मुझे एक भी प्रश्न है कि मैम, मेसी लुक मैं फ्रंट में करना है, मुझे वो तकलीफ होती है। मैं मुझे वो हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, तो मैं वो एक बार सिखाना। पक्का पक्का सीखो। ओके यस थैंक ओके, यू, बहुत अच्छे से सिखाते हो, बहुत नॉलेज देते हो, दिल से देते हो, थैंक बहुत यू सो मच। आपको तो मजा आता है। एक्सपीरियंस हाँ है क्योंकि आपने 2 मंथ्स का प्रोफेशन। 2 मंथ का बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो, कंग्रेचुलेशन मैं बॉम्बे आप आऊंगी। हाँ थैंक यू, जो लगी, आप मुझे एड्रेस व्हाट्सएप पे कर देना, आपको हमारी टीम के यहाँ से कुरियर हो जाएगा। ओके। ओके पटना बाय। आओ, पर मेरे घर पे आना, पटना आओ। यस ओके थैंक यू, गो बाय। बाय। यस एक मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ आपके। ले लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय मैम। कैसे सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन बोलने के पहले प्लीज गिफ्ट दिखा दीजिए थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन के आंसर जो भी देंगे उनके लिए गिफ्ट है, दिस इज द ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। आप एक लाइन में भी लगा सकते हो, बन में भी लगा सकते हो, एज अ वेस्टर्न अपटू में भी लगा सकते हो, एज अ मरमेड में भी ये फ्लावर्स क्रिएटिव लगा सकते हो। अगर आपको दिखे तो ये देखो, ये वाले फ्लावर्स है जो आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर देंगे उसको मिलने वाला है। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोरियल एंड हेयर फाइबर। ओ ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रह गया था, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों प्रोडक्ट दिखा दो ना, लॉरियल रूट टचअप एंड ये दो प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, दिस इज द रूट टचअप एंड दिस इज द हेयर फाइबर। ये दोनों का डिफरेंस क्या है और कब यूज होता है? ये क्वेश्चन का आंसर जिसको भी देना है लाइव में जल्दी से जुड़िए और आपको मिल सकता है एक प्यारा सा गिफ्ट, बट मेक श्योर आपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं शेयरिंग की। कौन ज्वाइन हो रहा है ये क्वेश्चन का आंसर देने जल्दी से? हमारे साथ अब नेक्स्ट कौन जुड़ रहा है? स्नेहा कौन जुड़ा है हमारे साथ? स्नेहल जी। ओके हेलो, हेलो इज एनीबडी देयर? हेलो, ये वाला क्या लिखा है?
ये वाला हेयर कवरेज करने को नहीं, आंसर इधर नहीं देना है आपको, लाइव में जुड़ना है। गिफ्ट चाहिए तो लाइव में जुड़ के आंसर दीजिए और गिव अवे शेयर कीजिए, गिव अवे भी गिफ्ट भी लेके जाइए। सो फेसबुक में कोई आंसर नहीं दे रहा है, ए ये तो इनवाइट है, उनको भेजिए बस, किसी का नहीं है। ओके सो अभी यहाँ पे कौन जुड़ा है बट उनका कुछ भी अता पता नहीं है, कैसे करें? सो जल्दी से जल्दी जुड़िए। हेलो हेलो मैम, हेलो कैसे हो? मस्त मैम, आप कैसे हो? बस फाइन मैम। जो फाइबर है ना, वो अगर स्कार्प विजिबल है, ग्रोथ कम है, तभी फाइबर का यूज होगा, और जब भी ग्रे हेयर दिख रहे हैं तो ग्रे हेयर को कवर करने के लिए लोरियल का स्प्रे यूज होगा। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम। यस सो आपने मजा लिया ये पूरे सेशन में? यस मैम, काम करते करते लिया है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ओके गुड। और मैम आपका बहुत सारा ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ मैंने ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन किया है, और अभी तक मेरा हाथ हेयर स्टाइल में बहुत अच्छा हो गया आपकी वजह से। थैंक यू, मतलब देखो ऑनलाइन के बाद भी आपका हाथ अच्छा हुआ है, तो टेक्निक अच्छी है। yes. मजा आ रहा है। 100%। ओके सो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहते हो कि ऑनलाइन क्लास हमारे कैसे होते हैं, जुड़ना चाहिए? मैं तो मुंबई से ही हूँ मैम, पर मुंबई होके भी मैं मुलुंड नहीं आ सकती हूँ, पर अगर कहीं से भी हो आप ऑनलाइन सीख लोगे तो वो मुंबई एकेडमी में आने के बराबर ही हो गया। यस यस मैम, दैट्स द, क्योंकि जो भी हमारे ऑनलाइन क्लास होते हैं वो भी इतने ही नॉलेजेबल होते हैं जो ऑफलाइन में स्टूडेंट सीखते हैं, हर एक टेक्निक इतनी ही डीपली सिखाई जाती है, और वो घर पे बैठ के रिपीटेटिव सेशन देख के 100% प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, इतना अच्छा सेशन होता है। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ओके सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट व्यूअर, और नेक्स्ट व्यूअर की तरफ मुड़ने के पहले फोर्थ गिफ्ट दिखा दीजिए और फोर्थ क्वेश्चन। सो हमारा ये गोल्डन बटरफ्लाई, सॉरी गोल्डन फ्लावर है जो हम आप सभी को देने वाले हैं, जो भी विनर होने वाला है उसको। सो फोर्थ क्वेश्चन, जब हम पव बनाते हैं तब कौन से डिग्री पे बैक कोमिंग करना होता है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना होता है, और कौन सा स्प्रे यूज करते हैं? स्प्रे और कौन सा? ओके जब मैं पव बनाना स्टार्ट करती हूँ तब कौन से डिग्री पे बैक कोमिंग होती है, कौन सा स्प्रे यूज होता है, और कौन से एंगल पे हमें उसको स्प्रे करना है? तीन क्वेश्चन के आंसर्स आपको साथ में देना है। सो इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक हेयर स्टाइल बनने के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको आना ही चाहिए। हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, प्रोफेशनल करियर करना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सबको आना चाहिए। सो जल्दी से जल्दी जुड़िए एंड क्वेश्चन के आंसर दीजिए। सो So, may I know the next? Vaibhavi Limbachia. Vaibhavi Limbachia. Okay. So, mere fourth question ka answer dene aa rahe hai. Jaldi se jaldi share kijiye aur aa jaiye. Jaldi se jaldi share kijiye, jaldi se jaldi live judiye. क्वेश्चन का आंसर दीजिए और गिफ्ट भी पाइए। नॉलेज तो मिला ही मिला एज अ गिफ्ट, बट गिफ्ट भी मिल रहा है एज अ गिफ्ट। किसको लाइव में जुड़ना है कमेंट में जल्दी से डालो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उसको लिया था नहीं वो कौन से बैक
कॉमिंग पफ बनाते वक्त स्टार्टिंग में कौन से डिग्री पे बैक कॉमिंग होता है, कौन सा स्प्रे यूज होता है और स्प्रे भी कौन से डिग्री पे करना चाहिए, कौन से डिग्री पे बैक कॉमिंग, कौन सा स्प्रे और कौन से डिग्री पे स्प्रे करना चाहिए, किसको आता है ये क्वेश्चन का आंसर? हेलो हेलो मैडम, हेलो, कहाँ से हो आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रद्धा है और आंसर है मेरा कि 90 डिग्री पे करना है, बैक कॉमिंग करना है और हार्ड स्प्रे यूज करने का। और हार्ड स्प्रे कौन सी डिग्री पे करना है? 90 डिग्री पे। दो क्वेश्चन में आंसर बराबर थे, एक रह गया आपका। क्या मैडम? ओके चल, सो डोंट वरी, आप बने रहना, आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे। ओके मैडम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सेशन। और कौन जुड़ना चाहता है और क्वेश्चन के आंसर्स किसके पास है, कौन सी डिग्री पे स्प्रे होना चाहिए? दो क्वेश्चन के आंसर्स तो मिल चुके हैं, एक लास्ट थर्ड वन का आंसर रह गया है। डिग्री 90 डिग्री पे बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे यूज होना है, बट हार्ड स्प्रे को कौन सी डिग्री पे करते हैं स्प्रे, एंगल कौन सी एंगल से कौन सी डिग्री पे हार्ड स्प्रे करना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सो कौन जुड़ रहा है हमारे साथ नेक्स्ट? वो तो हो गया ना ऊपर, सो एक ही क्वेश्चन का आंसर बचा हुआ है, जल्दी से जल्दी जुड़िए, आंसर दीजिए। हेलो मैम, हेलो हेलो, आप कहाँ से जुड़े हो पहले तो आपका नाम और कहाँ से जुड़े हो बता दीजिए। आई एम डिंपल जरीवाला फ्रॉम सूरत। ओके हाय डिंपल, सो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक तो पहले 90 डिग्रीज पे बैक कॉमिंग करनी चाहिए, पी प्रोफेशनल लेना चाहिए और 45 डिग्री पे स्प्रे करना चाहिए। 90 डिग्री पे बैक कॉमिंग, या हार्ड स्प्रे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हार्ड स्प्रे, तो मैंने वही तो बोला 45 डिग्री नहीं होता है, 45 डिग्री पे हार्ड स्प्रे, आप 90 डिग्री पे बैक कॉमिंग करोगे तो 45 डिग्री पे हार्ड स्प्रे कैसे होगा? तो 90 डिग्री पे ही करना है, 90 डिग्री पे ही करना है, नहीं 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री पे, 960 मतलब इधर आ गया वापस से, तो आपके जो बैक कॉमिंग वाले बाल हैं वो सब यहाँ से बाहर आ जाएंगे और इधर से भी बाहर, मतलब जितना वॉल्यूम चाहिए ना बैक कॉमिंग से वो नहीं मिलेगा आपको। तो मैं माफी बता दीजिए, नहीं मैं व्यूअर्स को पूछूंगी ना, इसके लिए जुड़ना है हमें। इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ये क्वेश्चन का आंसर कौन देता है लेट्स सी। मैंने आपके दो तीन क्लास ज्वाइन किए हैं तो भी नहीं आता है, नहीं। मतलब आपने लाइव में नहीं देखे, बाद में देखा है, भगा भगा। यस हाँ, सी ऑनलाइन क्लास कभी भी जुड़ते हो रिकॉर्डिंग ना देखिए, बने उतना लाइव में एक एक चीज को नोट डाउन कीजिए, बिकॉज जो भी मुंह से वाणी निकलती है ना हर शब्द में उसका बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, बिकॉज हम बाद में देखते हैं तो क्या करते हैं, हाँ पॉफी है ना बैक कमिंग करके, तो भगा भगा के आगे देखते हैं। yes. तो इतना सा तो मैं हर सेशन में बताती हूँ ना, वो इतना सा सेशन आपका छूट गया, इतना सा इम्पोर्टेंट सेशन छूट गया। मैम इसके लिए ही मैंने इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि ये मैरिज सीजन चल रही है और फिर मैं देख नहीं पा रही हूँ। नहीं अभी देखोगे ना तो भगा के नहीं देखना, ज्वाइन करो, क्योंकि ये मैरिज सीजन के लिए आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे
वेरिएशन मिलने वाले, सिर्फ एडवांस नहीं होने वाले, बहुत सारे क्विक भी आने वाले हैं। मैम ये पूरी सीजन में मेरे घर पे ही शादी है मेरी ननन के लड़के की, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ और कैसे देखूँ? प्रॉब्लम ये है आपका तो देख लेना कि मैं बैक कॉमिंग कैसे करती हूँ, एटलीस्ट इतने वेरिएशन अच्छे से सीख लेना और नए नए वेरिएशन कि आपको काम आए आगे की सीजन, क्योंकि ये क्लास के सिर्फ फरवरी में होता है, उसके बाद इतना बड़ा कोर्स नहीं आता है जल्दी से। ट्राई करो, नहीं तो मेरे लाइव सेशन तो होते ही है, उससे बहुत सारा नॉलेज जरूर से दूंगी मैं। ओके थैंक यू। दूजन आपको यहाँ से कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पे फेसबुक पे कोई भी हमें आंसर नहीं दे रहा है, तो वी आर एंडिंग द फेसबुक सेशन और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं फेसबुक को। आंसर नहीं दिया है, किसको आंसर देना है जल्दी से जुड़ो। सो कौन है हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? जल्दी जल्दी भेजिए, चौथी पे अटके हैं, तो क्विक रैपिड राउंड के लिए पांचवें क्वेश्चन के लिए कैसे जुड़ोगे, जुड़ना है या नहीं? क्वेश्चन क्या रखेंगे? रिक्वेस्ट नहीं आ रही, क्या हो गया अपना? सो किसको जुड़ना है, ये अभी भी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पेंडिंग है, किसको ज्वाइन करना है और किसको विन करना है? देख तो है क्या, अटक गया ना? आया किसी को दिया कि आपके चक्कर में आया? So sorry for network issue. अभी fourth question का answer अभी भी pending है, जल्दी से जल्दी request send कीजिए, live जुड़िए और answer दीजिए, कितनों को ये question का answer आता है। इसीलिए हमारे जब भी class होते हैं, मैं pre-record में believe नहीं करती हूँ, मैं सारे session live session में believe करती हूँ, ताकि आप live देखो, एक एक चीज note down करो, क्योंकि हर एक वाणी जब मेरे मुंह से निकलती है, मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, हर एक चीज मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लो। आपकी लाइफ के इतने सेशन बस आपने सीख लिए, आप एक प्रोफेशनल हिस्टोरिस्ट बन जाओगे। सी एजुकेशन लेना और सिर्फ पढ़ाई का बुक्स रट्टा मारना एक ही यही एजुकेशन नहीं है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी ये एक एजुकेशन ही है। आप जितना डे बाय डे खुद को अपग्रेड करोगे, उतना ही नया आप सीखोगे और खुद को सक्सेस की तरफ मूव करोगे। सो दिस इज द मंत्र ऑफ सक्सेस, ऑलवेज यू हैव टू अपग्रेड विद द टेक्निक, अपग्रेड विद द नॉलेज एंड बी अ प्रैक्टिकल। नहीं हो रहा है मुझे ज्वाइन करो, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, डोंट नो, प्लीज सेंड मी अगेन। यस मैम जुड़ नहीं रहा है, यस आई नो जुड़ नहीं रहा है, समथिंग नेटवर्क इशू।
इधर ही जाना था। नहीं यार ना? Something has to happen on Instagram. Net request आ ही नहीं रही है मेरे यहाँ से, भी try हो रहा है but request नहीं आ रही है, some other issue. चालू है ना? नहीं ये तो आपका पूरा चालू है, रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रही है फिर? कैसे जुड़े लाइव में? जस्ट सेकेंड हम चेक करते हैं यहाँ पे। आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, शायद अभी आए, सेंड करके देखो। सो डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, इंस्टाग्राम से कोई लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग हैज टू हैपन। सो एनीवेज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, सो आई थिंक हमें ये सेशन एंड करना पड़ेगा यहाँ पे ही। नहीं है ना, पहले का ही सवाल है यहाँ पे, वो नेटवर्क ठीक तो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैसेज करें क्या? ओके, सो ये क्वेश्चंस के आंसर्स मे बी अभी हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, समथिंग टेक्निकल इश्यू हो गया है। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, जिसने भी ज्यादा शेयर किया है उसमें से जो भी नो वॉइस नो ऑडियबल, ऑडियबल है प्रॉपरली, सो ड्यू टू टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे इंस्टाग्राम में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सो विल जो लोग भी ये सेशन में फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, सो ये सेशन हम सेव कर रहे हैं, आप ये सेशन को स्टोरी पे शेयर कीजिए और उसका आंसर डालिए, सो जो भी लकी विनर होगा हम उसको रीमेंशन करेंगे हमारे स्टोरी पे एंड दे आर दी फोर्थ लकी विनर। सिंपल प्रोसीजर, हमारे इस सेशन को हम सेव कर रहे हैं
आपको शेयर करना है आपकी स्टोरी में आज का हमारा सेशन, और वहां पे नीचे आंसर मेंशन करना। पफ बनाने के लिए बैक कॉमिंग होता है, कौन से एंगल पे बैक कॉमिंग करना है वो तो आपको पता है 90 डिग्री पे, कौन सा स्प्रे यूज करना है, हार्ट स्प्रे, हार्ट स्प्रे कौन से डिग्री पे होना चाहिए, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है जिसको भी आंसर आता है, हार्ट स्प्रे कौन से डिग्री पे होना चाहिए बैक कॉमिंग बना रहे हैं पफ के लिए, तो उसका आंसर शेयरिंग के साथ में आपके स्क्रीनशॉट पे डाल दीजिए। जो भी विनर होगा मैं अभी थोड़े टाइम में यहाँ पे चेक करके हम रीमेंशन करेंगे हमारी स्टोरी में, दैट इज अवर फोर्थ गिव अवे गिफ्ट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, आई होप आप सब सुन रहे हो फिफ्थ क्वेश्चन, कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे आपको स्टोरी पे मेंशन करना है आपका आंसर। मैं यहाँ पे लाइव नो पता नहीं क्यों मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, समथिंग इंस्टाग्राम से कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है, नहीं आ रहा है ना, ओके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन मैं मेरी स्टोरी पे डाल रही हूँ, जिनको भी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जाइए मेरी स्टोरी चेक कीजिए, स्टोरी में आपको अगर उसका आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आपको ये लाइव सेशन को शेयर करना है, फिफ्थ क्वेश्चन लिखना है और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। जो भी विनर होंगे हम उनको रीमेंशन करेंगे एंड दे आर दी फिफ्थ लकी विनर। सो थैंक यू सो मच, आई होप आज मजा आया रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ विनर को सिर्फ एक ही काम करना है, फोर्थ विनर का तो क्वेश्चन आप सभी को पता ही है, सीधा सीधा आपको ये लाइव सेशन को शेयर करना है और आंसर वहां पे मेंशन करना है। फिफ्थ विनर के लिए आपको मेरी स्टोरी पे क्वेश्चन देखना है, ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर पे मैं अभी क्वेश्चन डालूंगी, क्वेश्चन देखिए, ये लाइव सेशन को आपकी स्टोरी में शेयर करिए और स्टोरी में शेयर करने के साथ में आपके क्वेश्चन का आंसर डाल दीजिए। जिनका भी आंसर करेक्ट होगा, जिनको भी हम सिलेक्ट करेंगे, आपको हम रीमेंशन कर देंगे हमारी पोस्ट, हमारी स्टोरी पे। वो अभी होगा, एक हाफ एन आवर का टाइम है आपके पास, ये अभी 7 बजे के पहले ही मुझे ये लकी विनर्स भी अनाउंस करने हैं। सो थैंक यू सो मच, कनेक्ट विद अंकिज अकेडमी एंड आई होप आज का सेशन आप सभी को मजा आया रहेगा। एंड वापस से मैं बता दूं, 31st of January मतलब परसों के दिन 9 बजे से 10 बजे तक हमारा फ्री वेबिनार हो रहा है ऑन द ब्राइडल वर्ल्ड के ऊपर। सो जल्दी से जल्दी जुड़िए, फॉर्म फिल करना है, जस्ट फ्री वेबिनार है, नीचे नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको ऑनलाइन फ्री वेबिनार के बारे में लिखना है, आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां से फॉर्म भर के आप फ्री में आप एनरोल कर सकते हो। 1 डे का फ्री वेबिनार है 31st January 9 से 10 बजे तक, कल है, अच्छा ओके कल नहीं परसों, 31st को किया है कि फर्स्ट को किया है, परसों ना, फर्स्ट है, 31st है। सो जिनको भी फ्री वेबिनार में ज्वाइन करना है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम पूरा डिटेल आपको मेंशन कर देंगे। कल है ओके, 31st January को ही है, मतलब कल ही है ओके। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून, बाय बाय। आज 30 है, यस यस यस, माय मिस्टेक, कल ही है वेबिनार, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए और फ्री वेबिनार में 1 आवर का सेशन आप बहुत सारा आज के जैसा नॉलेज वहां पे भी मिलने वाला है। आई थिंक बहुत ज्यादा मेकअप और हेयर दोनों भी है तो दोनों मिला के नॉलेज मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून, कनेक्ट विद अस एंड आई होप मजा आया रहेगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।